मैं चाय मुंह में कितने खाली का नाम की बता महिमा बताऊंगा। बोले कौन बोल सकते हैं, बोले जा भोले बाबा के पास, ये भोले बाबा बताएंगे। क्योंकि शंकर जी वैष्णव नाम तथा संभो, ये वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ, हर समय पंचमुख के राम नाम गान त्रिपुरारी। पंचमुख में प्रभु का नाम उनको पास में जाओ, शंकर जी को पास में गए। शंकर जी ने भी एक ही बात बताई, बोले बेटा मैं भी पंचमुख में प्रभु का नाम तो जप कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी नाम की महिमा की कहा नहीं पाया, मैं कितना बताऊं। बोले कौन बोलेगा, बोले जाओ श्री अनंत देव को पास में, कोई बताए। तब उन्होंने श्री अनंत देव को पास में गए, आप बताओ भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है। आप मेरे को प्रैक्टिकल रूप में दिखाओ। बोले भैया मैं अनंत काल से अनंत नाम ले रहा हूँ, अभी तक भी कोई खा नहीं पाया। बोले इसका महिमा कौन बता गया, बोले जाओ धर्म राजा को पास। बोले धर्म राजा कौन है, बोले जम जब महाराज। बोले उनको पास में जाओ, इसलिए उनका नाम ही धर्मराज है, कोई बताए। जब धर्मराज को पास में गए, धर्मराजा बोले एक काम करो, तुम दक्षिणी दरवाजा में चले जाओ। बोले दक्षिणी दरवाजा क्या, उनका चार दरवाजा है। बोले ये दक्षिणी दरवाजा क्या, बोले जहां पर पापियों को दंड दिया जा रहा है वहां 84 नरक है, जो जैसे जैसे कर्म करता है उसको वैसे वहां सजा दी जाती है। जो इन्हीं आंखों से भगवान की सुंदर सुंदर विग्रह को नहीं दर्शन करते हुए मूर्ति की उल्टा पुल्टा फिलीप गंदी गंदी चीज देखते हैं उनका आंख निकाल रहे हैं। जो ये तराज से हेर फेर करते हैं उनका हाथ काट रहे थे। जो शराब पी रहे थे उसको मुंह में खोलते हुए तेल घी और लोहे को डाल रहे थे, हैं? जो इन्हीं कानों में गंदी गंदी फिलीपिका सब फिलीपिका गंदी गंदी सब गाना सुनते हैं उनको कान को काट रहे थे। इसलिए जो जैसे जैसे कर्म कर रहा था उसको वैसे वैसे दंड मिल रहा था। अभी नारद जी देखकर ना इतने डर गए, इतने डर गए और डरते हुए उन्होंने बसी वृंदावन बिहारी लाल की जय कर दी। नरक की बात सुनकर डर गए, बसी वृंदावन बिहारी लाल की। अभी नारद जी को देख करके डर गए, हे भगवान इतने दंड। और जो मछली मांस खाते थे उनको तो खोलते हुए तेल जैसे पकड़ा बनाते हैं ना, उनको पकड़े जैसे उनको छान रहे थे, हैं छान रहे थे। अभी नारद जी जब जोर से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जब उन्होंने भगवान की जयकार लगाए और जयकार लगाते ही वो नरक में जो पापी लोग दंड भोग कर रहे थे और उनको कानों में ठाकुर जी का नाम पड़ा और नाम पढ़ के ही जितने सब पापी नरक थे सबके सब मुक्त होकर के वैकुंठ चले गए, सब ठाकुर के धाम में चले गए। जब चले गए इतने में श्री नारद जी को जब महाराज बताए, बोले समझ गए भगवान का जो नाम है हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु। तुम समझ गए कि नहीं, हाँ समझ गया कि मुझे भगवान के नाम किसकी तान में प्रवेश करे, क्योंकि भगवान से बढ़कर तो उनका नाम है। इसलिए श्री महाप्रभु कहते हैं भैया मैंने कलयुग में इतने सरल उपाय रखा, इतने मैंने सरल उपाय रखा, लेकिन तब भी ये कलयुग का जीव भगवान के नाम को जप करके नहीं बैठ करके इधर उधर की सारी दुनिया की गप्पे मारेंगे। इसलिए ये जीवन दिया दुर्लभ जीवन, इस समय को बर्बाद नहीं करते हुए क्या करो, सभी अपना पास में ऐसे माला खोले रखो, ठीक है ना। और भले पैसा कभी भूल जाओ लेकिन ये माला जो कभी भूलना नहीं, हर समय माला खोल रखा करो। क्योंकि माता जी देखो गले में माला झूल सब देखो, ये बाबा लोग देखो माला सब छोड़ कर गाय माला झूली कोई नहीं छोड़ी, हमारे भक्त लोग देखो बैठ करके सब माला झूल, क्योंकि उनको पता है
धन ही साथ में जाने वाला है और जगत का कोई धन नहीं जाएगा। ठीक है, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा जोर से, हरे ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतार्मधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। ऐसे जो भगवान है ये युग युग में भगवान अवतीर्ण होते हैं, होकर के क्या करते हैं, जितने दुष्टों को विनाश करते हैं और अपना भक्तों को पालना करते हैं। इसलिए भागवत में भगवान की 26 अवतार की कथा है। कहते भगवान की जो पहला अवतार है ये चतुष्सर रूप में भगवान, कहते भगवान की 6 तरह का अवतार है, मन्वंतर अवतार, सत्यावेश अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, पुरुषा अवतार, ऐसे भगवान की 6 तरह का अवतार है। इसलिए भगवान सर्वप्रथम चतुष्सर रूप में आए। जब चतुष्सर रूप में आए ब्रह्मा जी उनको सृष्टि करके बोले देखो ये सृष्टि का क्रम तो बढ़ा, बोले पिताजी ये संसार बड़ा दुखदायी है, हम तो ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते। बोले क्या भगवान, ये दुनिया को सृष्टि करने के लिए आदेश दिए और तुम कह रहे हो दुनियादार में फंसोगे नहीं। बोले अगर नहीं फंसोगे ना हम तुम्हें अभिशाप देता हूँ। बोले क्या अभिशाप लोगे, बोले जैसे आपने जन्म लिया ना आप ऐसे ही रहोगे, इससे कभी आप बड़ा नहीं बनोगे, हर समय 5 साल उम्र में रहो। बोले पिताजी ये अभिशाप थोड़ी है, ये तो वरदान है, क्योंकि घर का जितने बोझ है इसको ऊपर भी बच्चों को ऊपर ना बड़े को ऊपर भी, बच्चे तो मस्ती से करते रहते हैं, संसार का जितना बोझ बड़े को ऊपर भी, बोले कोई चिंता नहीं हम तो मस्ती में रहेंगे और भगवान की भजन करते रहेंगे। इसलिए इनका जो जीवन है बोले कृष्ण कथा मात्र के जीवन, कहीं अगर भगवान की कथा सुनाना हो बस बैठे कथा सुनाना, अगर कोई नहीं होना एक भाई का व्यास गद्दी पर बैठेगा और तीनों भाई सामने बैठ जाएंगे और भगवान की कथा सुनाना शुरू कर देंगे। इसलिए इनका जो उम्र है वो 5 साल से कभी ज्यादा नहीं होता, देखोगे हर समय 5 साल के। बोले कारण क्या, बोले कारण है बोले ये काल किसका परमाय को हरण करते हैं, बोले जो भगवान के भजन नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के नाम भक्ति कथा सुनते हैं उसको ऊपर में ये काल का कोई प्रकोप नहीं पड़ता है, ये काल का कोई प्रकोप नहीं पड़ते, हर समय ये 5 साल उम्र के रहते हैं। भगवान की जो दूसरा अवतार है भगवान बराह रूप में आए, देखो इधर सुना, कहते शाम का समय में 4 काम नहीं करनी चाहिए, कितना काम नहीं करनी चाहिए, 4। बोले क्या क्या, पहला नंबर कभी शाम को भोजन मत करो, जो भोजन करेगा हर समय उसका उदर का रोग रहेगा, पेट रोग बना रहेगा, कभी भी पेट रोग उसका सही नहीं होगा। दूसरा काम पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जो शाम का समय में पढ़ेगा वो सब कुछ भूल जाएगा। इसलिए देखना कभी बोलते हैं ना बेटा तो घर में ठीक ठाक पढ़ाई करता लेकिन जब पेपर देने जाता सब भूल जाता है, इसलिए कहते पढ़ाई समय को बदलाना पड़ेगा। तीसरा चीज सोनी नहीं चाहिए, अगर कोई शाम को सोएगा तो वो दरिद्र बना रहेगा, उसकी घर में कभी मां लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। चौथा काम है उसको पत्नी की सहवास नहीं करनी चाहिए, पत्नी से नहीं मिलनी चाहिए, कहते ये घृणनाथ घर में बसे हुए। बोले क्यों, बोले श्री कश्यप ऋषि के एक पत्नी थी जिसका नाम दीदी थी और राजकुमारी शाम का समय में बड़ा सुंदर उसने अपना को श्रृंगार की और शीशा के सामने खड़ी हो गई। खड़ी होकर के जब उसने अपना परछाई को देखी, देख कर के इतने कामातुर हो गई और पति कश्यप को पास में जा करके प्रार्थना की मेरे से मिलने के लिए।
कश्यप जी ने समझा, देखो दीदी इस समय शंकर जी अपना भूत प्रेतों को लेकर के इसी समय में घूमते रहते हैं। अगर देखना शाम को समय में क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी का आरती उतारो, दिया जलाओ, भगवान की पूजा पाठ करो। सवेर भी नियम है, सवेर क्या नियम है, सूर्य उदय होने से पहले उठो, सूर्य उदय होने से पहले उठो, ऐसे नहीं रात भर टीवी देखो, एक दो बजे आप सो, नौ दस बजे उठो और झटापट खाना खाओ चले जाओ, नहीं नियम है। देखो चार तरह का स्नान बताया, चार तरह का स्नान, एक ऋषि स्नान, एक देव स्नान, एक नर स्नान और एक राक्षस स्नान, ये चार तरह का स्नान। बोले ऋषि स्नान किसको कहते हैं, बोले ब्रह्म मुहूर्त पहले बा ब्रह्म मुहूर्त समय में स्नान करो। बोले ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं, बोले सूर्य उदय होने से एक घंटा 36 मिनट पहले इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। देखना जितने ऋषि मुनि साधु कितने बजे उठते हैं, सवेरे सवेरे उठते हैं, उठ करके नहा धो करके ठाकुर को पूजा पाठ गीता रामायण पढ़ते हैं, ठाकुर को सेवा पूजा करना, इसको कहते हैं ऋषि स्नान। अगर उसी समय में कोई अगर स्नान करेगा ना, आप स्वयं देख लेना सवेर सवेर नहा धो करके ठाकुर का भजन में बैठो, मन अपने आप भजन में लग जाए, अपने आप भजन में, और उसी समय एक मस्ती आएगी, एक आनंद आएगा, भजन करते समय मन अपने आप ठाकुर का चरण में लगेगा, उसको कहते ऋषि स्नान। उसको साथ में देव स्नान, बोले देव स्नान किसको कहते हैं, ठीक सूर्य उदय होने से पहले जो स्नान कर लेते हैं उसको देवता स्नान, उसी समय देवता लोग स्नान करते हैं। तीसरा स्नान नर स्नान, नर स्नान मतलब जो इंसान लोग स्नान करते हैं, बोले कब, ठीक सूर्य उदय, ठीक सूर्य उदय समय में जो स्नान कर लेते हैं इसको कहते हैं नर स्नान। और एक स्नान है राक्षस स्नान, राक्षस स्नान किसको कहते हैं, सूर्य उदय होने को होने के बाद जो स्नान करते हैं उसको राक्षस स्नान, वो राक्षस स्नान है। इसलिए आप लोग अपना परिवार में देखो, जितने बड़े बूढ़ी कितने बजे उठती थी, माता कितने बजे उठती थी बताओ, चार बजे, चार पाँच बजे सब उठ जाते थे, हैं सब के सब चार पाँच बजे उठ करके नहा धो करके गीता रामायण भागवत पढ़ते थे। बोले क्यों, बोले जो सवेर और जो शाम को ये शंकर जी अपना भूत पिशाचों को साथ में भ्रमण करते हैं। अगर सूर्य उग गया, कोई स्नान कोई सो रहा है, जितने भूत पिशाच उसकी सर्व पर सवार हो जाएंगे और बुद्धि उसका भ्रष्ट कर दे, उसका बुद्धि भ्रष्ट कर दे। आप देखना जब सूर्य उग जाए, आप उठो, ये करना, वो काम करना, वो काम करना, बच्चे को स्कूल भेजना, कि खाना करना, पति उठ गए, अब दिमाग भटकना शुरू हो जाता है। लेकिन एकदम सवेरे से ग्रुप में कोई काम काम नहीं रहता है, मन केवल प्रभु की चिंतन करता है। इसलिए इसलिए शाम का समय में पत्नी की बात सहवास नहीं करनी चाहिए। इसलिए कश्यप जी ने मना की, लेकिन दीप्ति ने जोर जबरदस्ती पति से ली। उसको बाद में कश्यप जी ने कहा, दीदी तुमने अच्छी काम नहीं किया, तेरी गर्भ में राक्षस जन्म लेंगे, इसलिए हिरण्यनाथ और हिरण्यकश्यप जन्म हो गए, गर्भ में इतने भयंकर राक्षस जन्म हो गए, गर्भ में बैठ बैठ करके देवता को शक्ति को छीनना शुरू कर दिया और दुनिया को इतने टहलका मचा दिए, भगवान की भक्ति कोई नहीं कर सकते है, मेरे देश में यज्ञ नहीं कर सकते है, ठाकुर का नाम नहीं ले सकते, दुनिया में टहलका मचा दिया। लेकिन जब कश्यप जी ने कहा, देखो तेरे गर्भ में राक्षस जन्म लेंगे, इतने में दीप्ति दुखी हो गई, पति से क्षमा प्रार्थना की, मेरी अपराध हो गई, मैं कामातुर हो गई थी, आप मेरे अपराध को माफ कर दो। जब माफी मांगे ना, कश्यप जी ने कहा, ठीक है बेटा तो तुम्हारी राक्षस बनेंगे, लेकिन जो बेटा का बेटा है ना भगवान की भक्त बनेगा। इसलिए हिरण्यकश्यप का जो बेटा श्री प्रह्लाद, जिन्होंने खंभे से ही ठाकुर जी को, खंभे से ठाकुर जी को प्रकट कर दिए, बस श्री प्रह्लाद महाराज की। इसलिए जिस समय ब्रह्मा, जिस समय ये पृथ्वी श्री मनु महाराज सृष्टि करना चाहते थे, लेकिन ये हिरण्यनाथ ने पृथ्वी को रसातल ले लिया था,
मन महाराज ब्रह्मा जी से पूछे, बोले आप तो कह रहे हो सृष्टि का क्रम बढ़ा लोगे, सृष्टि का सृष्टि करोगा, यहाँ पर कुछ तो है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने छींके तो उनकी नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ, और देखते 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 उन्हें विशाल रूप धारण किया। कौन हुए? भगवान से बराहा दे, बोले श्री बराहा भगवान ने पानी में छलांग लगाई और पृथ्वी को उठा करके अपना धुरी पर स्थापना की। फिर मन महाराज जी ने ये सृष्टि का उन्हें प्रारंभ की। कभी भगवान की ये तीसरा अवतार है, कभी जो चौथा अवतार है, कभी ये दूसरा अवतार है, बोले जो तीसरा अवतार है, बोले श्री नारद रूप में आए भगवान। और ये जो नारद कौन है? बोले भगवान की ये भक्त अवतार है। ये जगत गुरु श्री नारद है, इनकी कृपा के बगैर अभी तक किसको भक्ति नहीं मिला, इनकी कृपा के बगैर प्रभु भी जगत में नहीं आए। रामलीला देखो, कृष्ण लीला देखो, इसका पहले की नारद जी का हाथ है। देखो कथा सुन, बोले एक समय ये नारद जी का अभिमान हो गया, बोले क्या अभिमान हो गया, बोले ब्रह्मा जी हैं, कहते ब्रह्मा जी जिस समय मायापुर ने सृष्टि की, जिस समय ब्रह्मा जी अपना एक बेटी को सृष्टि की, वो इतने सुंदरी अपना बेटी थी, ब्रह्मा जी अपना बेटी में आसक्त हो गए, अपना बेटी को पीछे भगे थे। इसलिए नारद सोच रहे मेरे पिता स्वयं जगत का सृष्टि करता, वो भी अपना बेटी में आसक्त। शंकर जी जब भगवान मोहिनी रूप धारण किया, इतने सुंदरी थी, शंकर जी मोहिनी रूप देख करके पार्वती को धक्का मारकर फेंक दी और मोहिनी को पीछे नंगे नंगे होकर घूमते रहे। इसलिए नारद जी सोचते हैं शंकर जी को भी माया ने छक्का छुड़ा दी। बोले इंद्र उसने अहल्या प्रति आसक्त हो गए और कितने दुर्गति भोगना पड़ा उनको। बल ये सब तो माया सब नचा दी, लेकिन मैंने अकेला हुआ जब माया को मैंने जीत लिया। नारद जी जब तपस्या कर रहे थे, इतने में ब्रह्मा ये तपस्या कर रहे थे, इंद्र डर गया, अगर भगवान प्रसन्न होकर के बोले वर मांगो, अगर ये मांग लिया स्वर्ग राज्य तो फिर भैया मेरे स्वर्ग। इतने में उसने रंभा और बस मेहनत आई, सुंदरी सुंदरी स्त्रियों को भेज दिया इनकी तपस्या को नष्ट कर, और सारे अप्सरियां प्रकट होकर के ऐसे नाच गान कर रहे थे। इतने में नारद जी जब उनकी चरण नुपुर की झंकार सुनी, नारद जी थोड़े से आग खुले। जब आग खुले ना, जितने अप्सरियां सब के सब भाग गए। क्यों? नारद जी अभिशाप नहीं थे, इसलिए सबके सब भाग गए। अभी नारद जी को तो इतना अभिमान हो गया, बोले जो काम मेरे पिताजी नहीं कर पाए, जो काम मेरे बड़े भैया शंकर नहीं कर पाए, जो काम इंद्र चंद्र नहीं कर पाए, वो काम तो मैंने कर दिया, माया ने मैं जीत लिया। अभी उसने पिताजी ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले पिताजी आप जो काम नहीं किया मैंने वो काम किया। ब्रह्मा बोले राम 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 राम, बेटा कभी ऐसे बोलना नहीं, मैं तेरे पिता हूँ, माया की है, माया की जो मोहिनी मृत्यु तू नहीं जानते हो, माया क्या कर सकते। बोले मैं इतना बड़ा काम क्या पिता की बहावा नहीं दी। तब शंकर जी को पास में गए, एक ही बात बोले, शंकर जी बोले राम 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 राम, ये बात को मत कहा करो, मैं तेरे बड़े भैया हूँ, मैं सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ, योगी योगी महायोगी मैं हूँ, लेकिन मैंने माया के पराक्रम देख लिया, भगवान स्वयं मोहिनी अवतार लिया तो मेरे पर नंगे नंगे घुमा दी माया, खबरदार ऐसे बोलना नहीं। बोले मैं इतना बड़ा काम क्या कोई बाबा नहीं दे रहे, भगवान बैकुंठ चले गए। और भगवान नारायण को यही बात बोले, भगवान नारायण ने देखा इसका पूरा हो गया है, इसको ऑपरेशन करनी चाहिए। देखो ध्यान देकर सुनो, अगर कोई भक्ति करता है, अगर इसके अंदर में अभिमान आ जाए, अरे हम इतने बड़े भक्त हो गए, समझो उसको पतन है, उसको पतन हुआ है। जैसे किसी वृक्ष में जितना फल आएगा ना, वो वृक्ष झुक जाती है, वो वृक्ष खड़ा नहीं, वो वृक्ष झुक जाती है। जिसको अंदर में जितनी भक्ति आएगी
वो अपने आप को इतना छोटा मानेगा, बड़ा नहीं मानेगा, क्या मानेगा? छोटा मानेगा। अभी भगवान ने देखा नारद जी का अभिमान आ गया, इसको अपेक्षण करना पड़ेगा, इसको अपेक्षण करना पड़ेगा। इतने में नारद जी भगवान नारायण का बहावा दे दिए, बोले देव मैं स्वयं माया जीती हूँ, अब तुम मेरे पुत्र हो, तुम जरूर माया को जीतोगे। पीठ पर हाथ थपथपाए और नारद जी का छाती को इतना बड़ा हो गया, बोले जो काम कोई नहीं कर पाए वो काम तो मैंने कर डाला। नारद जी तो उतर रहे थे, बोले माया को जीत कर उतर रहे थे, ठीक बीच में ठाकुर जी एक सुंदर स्वयंवर संभाल जाए जिसमें माँ लक्ष्मी सारे देवता को बैठे हुए, चंद्र चंद्र भाई पर माँ लक्ष्मी स्वयं हाथ में फूल की माला लेकर वरमाला लेकर के देख रही हैं सबसे सुंदर कौन है जिसकी गले में मैं माला डालू। इतने में वो बेटी की एक बेटा बन पिता बन गए, और जब नारद जी आ रहे थे तब उन्होंने नारद जी को स्वागत करके लाए, बोले नारद बाबा मेरी बेटी की स्वागत हो, स्वयं पर सभा हो रही है, आप थोड़ी सी कृपा करके पधारो। और ला करके वो जो लड़की थी जो स्वयं पर सभा में माला लेकर घूम रही थी, बोले बाबा अपना देखो तो मेरे बेटी का भविष्य क्या। तो उन्होंने उनका हाथ दिखाया, वो कौन थी? माँ लक्ष्मी। कौन थी? कौन थी? माँ लक्ष्मी थी, वो तो सर्वगुण संपन्न। नारद जी को जब उनका हाथ दिखाया ना, लक्ष्मी की हाथ ही इतने सुंदरी, इतने सुंदर हाथ, अपूर्व हाथ, और हाथों में उनका जो भाग्य रेखा है ना पंचम में था। इतने में नारद जी देख करके बोले भैया ये बेटी का हाथ में जो लक्षण है सारे लक्ष्मी के लक्षण है, अगर ये बेटी कहीं अगर शादी करके जाएगी ना किसी घर में, उसी घर में कभी धन दौलत की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहेगी। और जिस व्यक्ति को साथ में शादी होगा वो जगत में अजर अमर बनेगा, जगत में उसकी जय जयकार होगी। अब ये सब लक्षण देख करके अभी नारद जी को मोहम्मद पानी आ गया, बोले देखो लक्ष्मी नारायण, नारायण के साथ में लक्ष्मी, पार्वती शंकर, शंकर साथ में पार्वती, ब्रह्मा ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी, ये सब के सब दो है, कोई एक एक नहीं, घर में अकेला क्यों रहूंगा। भैया ये लड़की तो बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है, अगर इसको साथ में अगर शादी हो जाए ना सारा दुनिया में तो मेरे जय जयकार होगी। अभी उनके मुंह में तो पानी आ गई है, देखो अभी क्या बोल रहे थे, हमने माया को जीत लिया, लेकिन आगे माया में फंस गए। नारद जी सोच रहे हैं यहाँ पर तो स्वयंवर सभा हो रही है, ये लड़की उसकी गले में माला लेगी जो सबसे सुंदर होगा, लेकिन मैं तो तपस्या करते 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 मेरे शरीर में केवल हड्डी हड्डी रह गया, अभी ये लड़की मुझे तो पसंद नहीं करेगी, लेकिन अभी अभी मैं बैकुंठ से आ रहा हूँ और सबसे सुंदर भगवान नारायण है, अगर मैं थोड़ी समय के लिए नारायण का अगर मैं रूप ले आऊँ ना, ये जो बेटी मेरे गले में ही वरमाला डाल दी फिर मेरी शादी हो जाएगी। नारद जी ये बदते जगत में क्या है कि सीधा बैकुंठ चले गए, बैकुंठ जाकर के बोले प्रभु अभी तक मैंने आपसे कोई चीज मांगी नहीं, बोले नहीं मांगी, बोले मेरे को थोड़ी समय के लिए आपका ये रूप दे दोगे, हरि का रूप दे दोगे, फिर मैं वापस दे दूंगा, बोले कोई बात नहीं, मैं अपना हरि का रूप में तेरे को दे रहा हूँ। देखो हरि का मतलब होता है हरि, एक बंदर का नाम भी एक हरि होता है, इसलिए भगवान नारायण ने किया क्या, उसको काला बंदर का मुंह दे दिया, लेकिन वो क्या सोच रहा है मैं तो नारायण जैसे सुंदर है, मैं सुंदर बन गया। इतने में नारद जी उतरे, अब वो लड़की माला लेकर घूम रही थी, और नारद जी क्या करते हैं, वो लड़की जिधर जाती है ना नारद जी घूम फिर कर उधर जाते हैं और अपना सर को आगे बढ़ाते हैं, तो तू मेरे तरफ में देख और मेरे गल में माला डाल दे, लेकिन उसका मुंह तो काला बंदर का था। इतने में वो लड़की नाक को सिमट के लिए वो दूसरी तरफ में चली जाती है। नारद जी सोच रहे हैं मेरे रूप उसको सामने
पढ़ नहीं रहा है, वो मेरे को ठीक से देख नहीं पा रहे। फिर नारद जी फिर घूम करके आते, फिर सर को बढ़ाते हैं, फिर वो लकड़ी लड़की नाथ सिकुड़ती हुई दूसरे तरफ पे, ऐसे ही उन्होंने नारद जी को बड़ा चक्कर लगा दिया। इतने में नारद श्री नारायण गौरव को पीठ के ऊपर बैठ करके जब आए, इतने में वो लड़की वो माला लेकर के ना सीधा नारायण की गला में डाल दी, और भगवान उसको गर्भ के ऊपर बैठाए और उसको बैकुंठ ले जा रहे। इतने में वहां जितने देवता लोग बैठे हुए थे, बोले नारद जी देखो तो सही तुम कितने सुंदर हो, उनका एक शीशा पकड़वा दिया। अरे नारद देखा काला बंदर का मुंह उसका। इतने में नारद जी ना भगवान ने नारायण को अभिशाप दिया, बोले तुम सबको नाक में नथ लगा करके नचा रहे हो, तुमने कहा नारायण रूप मेरे को दिया और काला बंदर का मुंह देख करके लड़की को पीछे मेरे को भटकाया, मैं भी तेरे को अभिशाप देता हूँ। जिस लड़की को पीछे तुमने मेरे को दर दर भटकाया, इसी लड़की को पीछे एक दिन तुम भी भटकोगे और जंगल जंगल में रोगे, अभिशाप देगी। इतने में भगवान नारायण ने कहा देखो जब ये लड़की को पीछे भटकूंगा रोगा जंगल जंगल में, तेरे जैसे काले बंदर मुंह वाले मेरे को मदद करेंगे वो लड़की को उद्धार करने के लिए। बोले कब? जब राम लीला थी, रावण जब सीता को उठा कर ले जाएगा, भगवान राम ने क्या किया जंगल जंगल में हासिते 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 बोल करके जंगल में भटक रहे थे, और उनको मदद किया क्या हनुमान जापमान कितने बंदर मदद किया है। इसलिए कहते हैं राम लीला का जो मूल बोध है श्री नारद जी, क्यों भगवान को उन्होंने अभिशाप दिया था और भगवान को अभिशाप को ग्रहण करते हुए उन्होंने श्री राम लीला का कारण कौन बोले श्री नारद जी, कृष्ण लीला का भी कारण श्री नारद जी। इसलिए इनका नाम है नारद, क्या नाम है नारद का मतलब क्या बोले नर मतलब होता है रस, त मतलब सबको जो रस देते हैं, नर मतलब होता है ज्ञान, त मतलब सबको जो ज्ञान देते हैं, नर मतलब होते हैं आसक्ति, त मतलब खंडयती जीव का सारे बंधन को जो खंडन करते हैं श्री ये नारद जी है। बोले श्री नारद बाबा की, बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री। भगवान की जो चौथा बता रहे हैं भगवान श्री नर नारायण ऋषि रूप में बद्री का आश्रम पर तपस्या कर रहे हैं। पर भगवान क्यों तपस्या कर रहे हैं? तपस्या तो हम कर रहे हैं, भगवान क्यों करते हैं? फिर कारण है भगवान ने देखा कलयुग का जो जीव है ये तपस्या नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता है। अगर कोई कष्ट करके श्री बद्रीनाथ जाए और मैं तपस्या कर रहा हूँ केवल मेरे को दर्शन करते, वो दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या करूंगा उसका छठवां भाग का फल तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। बस श्री बद्री विशाल की जय। बताओ तो बद्रीनाथ कौन कौन थे? एक दो तीन चार पांच छह। अब बताओ कौन जाना चाहते हो? हाँ तो मेरा सबका मिल जाएगा। हाथ उठा कौन कौन जा? हाथ को नहीं उठा रहे आपको, हम बद्रीनाथ ले जाए चलोगे? हाँ देखो एक बद्रीनाथ तो बहुत दूर है पहाड़ ऊपर, लेकिन एक बद्रीनाथ ब्रजधाम में। जब ध्यान देकर सुनो, बोले जिस समय कृष्ण जन्म नहीं हुए थे नंद बाबा ने मनोति रखा था, अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाएगा ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ ले जाऊंगा, ये नंद बाबा ने संकल्प किया था। लेकिन जब कृष्ण घर में जन्म हुए, अभी नंद बाबा ने कहा मैंने तो मनोज रखा था सारे तीर्थ करने जाऊंगा, इतने में सारे ब्रजवासी नंद जसोदा ये सब के सब तीर्थ करने के लिए तैयार हुए। इतने में कृष्ण सोच रहे देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, देखो कहते ये तीर्थ कौन है, ये गंगा कौन है मेरे चरण से, ये जमुना चमुनत्री कौन है, गंगोत्री चमुनत्री क्या है, यमुना कौन है मेरे पटराज मेरी सखी है।
बल्कि केदारनाथ कौन? संकट के मेरे दास है। ये बद्रीनाथ कौन है? मेरे सेवक का सेवक का सेवक ये बद्रीनाथ है। इसलिए कहते हैं किरत सुता के पग पग ने प्रयाग जाना केसव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग हम ले करे करेंगे क्या जानते नहीं है क्या हम श्री वृंदावन भैया वृंदावन में ऐसे कोई तीर्थ नहीं जो कि वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण के दर्शन के लिए राधा रानी की कृपा पाने के लिए जो नहीं आए पृथ्वी का सारे तीर्थ ब्रजमंडल में। इसलिए कृष्ण ने कहा पिताजी ये जितने सारे तीर्थ तो ब्रज में ही है बोले कहां पर बोले मेरे साथ आओ ना मैं हमको बेटा हूं ना बेटा का क्या कर्तव्य है पिता माता को वृद्धावस्था में सारे धाम दर्शन कराइए बेटा का कर्तव्य बोले मेरे साथ में चलो। तब उनको श्री ब्रज में एक स्थान है उसका नाम काम्यवन है। उन्होंने काम्यवन में लेकर गए और बोले आंख बंद करो सबके सब आंख बंद करो और हाथ जोड़ करके सारे तीर्थ का स्मरण करो। जब सारे तीर्थ का स्मरण किया वहां पर केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री लक्ष्मण झूला मान सरोवर है ये पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है सबके सब वहीं पर प्रकट हुए और नंद बाबा जी सारे धाम को वहीं पर उन्होंने दर्शन करके सारे तीर्थ किया। इसलिए उसको कहते आदि बद्री और आदि केदार मतलब क्या वो जो बड़ी दूर में जो केदारनाथ बद्रीनाथ वो मूल नहीं है मूल है ब्रज में। जो ब्रज का दर्शन कर लिया ना समझो सारे तीर्थ उसका दर्शन अपने आप हो गया सारे तीर्थ आप दर्शन हो गया। इसलिए हम लोग देखो ध्यान दर्शन हम लोग अगर कोई ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं ना 84 करोड़ से वृद्धा हम भगवान को भूल करके ये 84 लाख जन्म भटक रहे हैं। अगर जीवन में एक बार कोई 84 करोड़ की परिक्रमा लगा दे उसको जो 84 लाख जो जन्म है वो भटकना खत्म हो जाएगा। इसलिए नियम है जीवन में अगर कोई सारे तीर्थ में नहीं जा पाए कम से कम 84 करोड़ परिक्रमा करें जीवन में एक बार करें। लेकिन उसको अगर पैदल में जो करते हैं ना 1.5 महीना लगता है दिन में 10-10, 15-15 किलोमीटर चले 1.5 महीना लगता है और हमारी मंदिर से कार्तिक महीना में 1 महीना में हम उसको करते हैं। लेकिन उसका और एक सरल उपाय है अगर कंटिन्यू अगर गाड़ी में बैठ करके करो तो 7-8 दिन में ये पूरी परिक्रमा हो जाती है पूरा 7-8 दिन में ये 84 ब्रजमंडल परिक्रमा हो जाती है। इसलिए इस बार हम लोग शायद अक्टूबर महीना में शायद उसमें कुछ छोटी पड़ रहा है उसमें कुछ छोटी पड़ेगी संडे मंडे रहेगी नहीं शनिवार और इतवार और उसमें कुछ छुट्टियां भी आ रही हैं। इसलिए हमारी मंदिर से कोशिश कर रहे हैं जैसे 7 दिन के अंदर में 7-8 दिन में पूरी परिक्रमा को कवर कर लें। अगर कोई जाना चाहोगे कोई जाओगे और कब जाएगा हाथ का दो हाथ का हाँ ठीक है अगर आप लोग जाओगे ना फिर आप लोग एड्रेस और नाम देना एड्रेस और नाम देना हम कोशिश करके आपको 7 दिन के अंदर में पूरी जो 1.5 महीना की जो यात्रा को 1.5 महीना नहीं पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वो सारे तीर्थ वहीं पर ब्रज में सारे तीर्थ हो जाएगा। बस ही वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। इसलिए श्री सुत गोस्वामी ने भगवान की माइक आवाज बोलो सुत गोस्वामी ने भगवान की ये 24 अवतार के नाम लिया लेते लेते उन्होंने बोल दिया भैया कृष्ण भी एक अवतार है। अब सुत गोस्वामी कह रहे बोले कृष्ण अवतार नहीं बोले कृष्ण कौन है बोले अवतारी। अवतारी मतलब क्या है जिनसे ये सारे अवतार आए। इसलिए कृष्ण 16 कला में परिपूर्ण केवल कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले अहो भाग्यम नंद गोप प्रयोग साम
जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। बोले कृष्ण कौन है? बोले पूर्ण ब्रह्म सनातन है। देखो आपका घर में गोपाल जी है ना, किसको किस घर में गोपाल जी है? हाथ उठाओ तो सभी के घर में गोपाल जी है। देखो यहाँ पर भी गोपाल जी बैठे, वो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन बड़े खोटे हैं। वो देखने में लगते हैं घर में इतना छोटे से बैठे हुए, लेकिन वो छोटे नहीं बड़े खोटे हैं। ये साधारण नहीं। इसलिए आप लोग महाभारत देखे होंगे, जिस समय अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा है, बोले ये परिवार को मार करके क्या होगा, मैं संन्यास लेकर के चले जाऊंगा, भीख मांग करके जीवन बिता लूंगा। इतने में भगवान कृष्ण उन्होंने विराट रूप दिखाया। बोले हे अर्जुन, अच्छे तरह से सुनो, हे अर्जुन तुम देखो मैं कौन हो। कृष्ण कहते हैं मतः पर धर्म नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मेरे को छोड़ कर कोई जगत में पर तत्व नहीं, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। अच्छे तरह से समझो ये क्या कृष्ण समझा रहे हैं, हैं? जिसको तुम शंकर कहते हो देखो ये शंकर मेरे में, जिसको माँ देवी कहते हो देखो देवी मेरे में, जिसको तुम हनुमान कहते हो देखो हनुमान जी मेरे में, जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो ब्रह्मा मेरे में, जिसको तुम गणेश कहते हो गणेश मेरे में, यहाँ तक भी इंद्र चंद्र वायु और मेरे में, यहाँ तक भी मत्स्य कुर्म वराह कृष्ण का कामन देख अर्जुन विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर, मेरे से कोई परतत्व को श्रेष्ठ कोई नहीं, मेरे अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। जब हम कृष्ण के चरण में प्रणाम की, बताओ किसको किसका प्रणाम हो गया? ब्रह्मा को भी हो गया, शंकर जी को हो गया, देवी को भी हो गया, गणेश जी हनुमान इंद्र चंद्र सबको हो गया है। इसलिए भगवान दो उदाहरण देकर समझाया, जैसे एक पेड़ है, जब पेड़ की जड़ में हम पानी दे देते हैं ना, देखना पेड़ पूरा हरा भरा हो जाता है। अगर कोई जड़ में पानी नहीं दे, केवल उसको दिन भर उसको पत्ते को धोए, उसका फूल को धोए, उसकी फल को धोए, बताओ ये पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? आप जड़ में पानी मत दो, दिन भर ये पेड़ पौधा ऊपर ऊपर धोते रहो, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। आप कहीं भी पानी मत दो, केवल जड़ में पानी दे दो, पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? रहेगा। दूसरा उदाहरण ये, जैसे भोजन, हम कहां पर भोजन देते हैं? नाक में, ना कान में, ना हाथों में, कहां देते हो? मुंह में। जब भोजन हम मुंह में दे दे, देखना पूरा इंद्रिय सतेज रहेगा। अगर कोई मुंह में नहीं देते तो बोले क्यों, आंख में देते हैं फिर डाल डाल दो, बोले कान में सुनते ना तो चावल दो रोटी दे दो, हाथ में काम करते ना तो उसमें हाँ उसमें सब्जी डाल दो, कोई करते हो? भोजन कहाँ देते हो? मुंह में। जब मुंह में भोजन दे दो, देखना सारी इंद्रिया अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। उसी तरह जब हम भगवान कृष्ण को जब हम पूजा करते हैं, कृष्ण को जब भोग लगाते हैं, कृष्ण को जब प्रणाम करते हैं ना, ये जो 33 करोड़ जो देवता है ये अपने आप खुश हो जाते हैं। नहीं तो जगत में तो 33 करोड़ देवता कितने को पूजा करके बताओ? एक को मनाया दूसरा मुंह खुला कर बैठ जाएगा, तीसरा को मनाओगे चौथा मुंह खुला कर बैठ जाएंगे, फिर इसको पूजा करो दूसरा नाराज हो जाएंगे। इसलिए बोले जा पर कृपा हरि की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसको ऊपर में हरि की बात की भी हरि की कृपा हो जाए, उसको ऊपर में सबकी कृपा हो जाती है। इसलिए हमें दर्द नहीं पड़ना चाहिए। देखो एक समय एक हिंदू एक मुसलमान की लड़ाई हो गई। हिंदू ने कहा मेरे भगवान कृष्ण भगवान मेरे बड़े हैं, मुसलमान का मेरा अल्लाह बड़ा है। बोले प्रणाम प्रणाम प्रमाण कैसे होगा? बोले चलो दोनों पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे और अपना अपना इष्ट का नाम लेकर कूदेंगे, जो बच जाएगा समझेगा उसका ठाकुर बड़ा है। और एक मुसलमान चढ़ा पेड़ के ऊपर में, वो तो एक अल्लाह को मांगता है, बोले हे अल्लाह अगर तू सच्चा है ना, तेरे नाम लेकर के मैं छलांग लगाना, मेरे लाज बचाना, छलांग लगा तो कुछ नहीं हुआ। अभी ये हिंदू चढ़ा लेकिन उसको तो एक निष्ठ है नहीं। इतने में बोले भैया गणेश जी हैं, बोले यही विघ्न को हरता हरता करता विघ्न विनाशक गणेश जी,
बोले गणेश बाबा तेरे नाम लेकर के मैं कूद रहा हूँ, मेरे को बचाना। फिर सोच रहा नहीं, बोले गणेश क्यों, उसको मैया से देवी तुम्हारा बुला दो ना। बोले माँ देवी तेरी नाम लेकर कूद रहा हूँ। इतने में तक आए थे गणेश जी। गणेश जी ने देखा, पहले तो मेरे को बुलाया, मैं आ गया बचाने के लिए, फिर मेरे को छोड़ करके मैं भैया को बुला रहा है। गणेश बात दे, उसको बाद में सोचा भैया तेरा संगत जी को क्यों नहीं बुलाते। बोले भोले बाबा तेरे नाम ले रहा हूँ। माता जी ने कहा पहले तो मेरे को बुलाया, फिर शंकर जी को। ऐसे सबको बुला बुलाते खुदा का हाथ पैर खुल गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, देखो गोस्वामी जी तुलसी पर रामायण में बोले एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, कोई एक टॉपिक लेकर पढ़ते, सीए करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तभी तो सक्सेसफुल होता है ना। अगर हर से थोड़ा थोड़ा ले तो फेल हो जाएगा। इसलिए देखो हनुमान जी किसको पूजा करते थे, राम। गोपियां किसको पूजा करते थे, कृष्ण को। सूरदास जी किसको पूजा करते थे, कृष्ण को। और श्री हनुमान जी किसको पूजा करते थे, राम। इसलिए एकनिष्ठ होकर के भक्ति करनी चाहिए, बहुनिष्ठ नहीं। बहुनिष्ठ होने पर खुदों का हाथ पैर टूट जाएंगे। हाँ देखो, एकनिष्ठ होकर के ऐसे एक व्यक्ति को पूजा करो जिसको पूजा करने से सब हो जाएगा। कहिए श्री बांके में तुम्हारे घर में जो लड्डू गोपाल है ना, इनको एकनिष्ठ होकर के पूजा करो, क्योंकि इनके अंदर में ये 33 करोड़ देवता। बोले कि जो दूसरे देवा देवी सबको सम्मान करो, किसी को असम्मान नहीं करनी चाहिए। जैसे शंकर जी उनसे भक्ति मांगो, माता पार्वती वैष्णवी इनसे भक्ति मांगो, हनुमान जी से भक्ति मांगो, गणेश जी से भक्ति मांगो, भक्ति सबसे मांगो। लेकिन जो इष्ट है ना हमारी, इसलिए मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाला, बोलो हाँ, एक से मेरे तो गिरिधर गोपाला, दूसरा का तो भक्ति। ऐसे एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति से सिद्धि नहीं होती है। ठीक है, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं आता आप लोगों का प्यार है कन्हैया से,
तो आइए सभी लोग कौन कौन कन्हैया से प्यार करते हैं देखता हूँ। अरे सागरे रसिया हसे हो गई मेरी यारी, सागरे रसिया हसे हो गई मेरी यारी, yeah।
Sabe essa coisa?
हरे कृष्ण आगे जाकर के कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे पकड़ ले रहे बढ़िया से बोलो हरे राम 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 एक बार आप बोलो मैं सुनूंगा जोर से कोई पाप मत करो हरे कृष्ण देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे इधर लगो बेटा हमारे बड़े गुरु जी कहते थे अगर कथा सुनना तो आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा क्या करो आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठो जिसको नहीं जानते उसको पास में बैठो क्योंकि अगर भागवत कथा की कल्प वृत्ति है अगर दुनिया की बात करोगे ना तो पाप लगेगा यहाँ केवल भगवान की कथा होनी चाहिए केवल ठाकुर की चर्चा होनी चाहिए ठीक है ना लेकिन संसार की जो बात दुख में है कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई घर से दुखी कोई बीवी से दुखी कोई सास से दुखी कोई ननद से दुखी कोई पड़ोस से दुखी 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 संसार में तो दुखी दुखी हो अगर इधर आकर के फिर कोई दुख की बात करोगे यहाँ आकर के तो केवल ठाकुर की कथा हो केवल हरि की चर्चा और किसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए प्राप्ति तृतीय युग पर जाए व्यास परास दुर्गी कल्या हरि अभी ये घोर कलयुग आया है कलयुग आने पर अभी श्री भगवत की इच्छा से श्री व्यास से प्रकट हुए ये भगवान के सत्यार्य समुदाय है इन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा ये कलयुग धीरे 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 घोर रूप भयानक रूप धारण करेगा और धीरे धीरे लोग क्या होंगे बुद्धि की ह्रास होती जाएगी बोले क्यों मैंने कहा था ना सामने की बात मत करो मैंने कहा ना जिसको जानते हो उससे अलग होकर बैठो देखो मैं ऊपर बैठा हूँ ना सबको देख रहा हूँ बहुत क्या कर रहा है इसलिए उन्होंने कलयुग का अवस्था को देख करके देखा ये धीरे 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 इनकी बुद्धि ह्रास होते जाएगी क्योंकि कलयुग में कोई प्योर चीज मिलेगी नहीं सब मिलावट चीजें पहले लोगों को प्योर चीज मिलती थी इसलिए उसका स्मरण शक्ति भी रहता था पहले ये पुस्तक नहीं होता था आप बड़े बड़े को पूछो पढ़ने के लिए जाते थे मास्टर रटाते 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 सब उनको रटा लेते थे हैं ये कंप्यूटर और स्मार्टफोन और जो कैलकुलेटर होता वो कुछ नहीं होता था मुंह में सारे हिसाब हो जाते थे लेकिन देखा कलयुग में बुद्धि धीरे 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 प्योर चीज रहेगी नहीं और प्योर चीज नहीं मिलेगी तो इनका ब्रेन धीरे धीरे डैमेज होती जाएगी इसलिए उन्होंने एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकाशित कर दिया फिर उन्होंने उपनिषद फिर ब्रह्मसूत्र फिर उन्होंने सत्तर पुराण देखा स्त्री सूत्रों को वेद में अधिकार नहीं पंचम वेद श्री महाभारत रचना की श्री भगवत गीता जिसमें है लेकिन ये सब करते हुए भी उनको शांति नहीं मिल रही थी तब श्री नारद जी बिना बजा बजाते आए बोले नाथ बोले व्यास लगता है तेरे मन में शांति नहीं बोले गुरु जी अब सही बताए अब गुरु है ना गुरु मतलब क्या है बोले गुकार अंधकार द्वार उकार तस्सनि रतम जो शिष्य के हृदय की अज्ञान को दूर करके हृदय में जो दिव्य आलोक संचार करते हैं गुरु का काम है बोले आप तो गुरु सब जानते हो आप कृपा करके बताओ कमी क्या है तब श्री व्यास श्री नारद जी कहते हैं बोले जथा धर्म तयश्चार्था मुनि वज्जानो कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जगवर्णित बोले तुमने ये जगत का
का धर्मों को ऊपर में तुम जितने पढ़ा चढ़ा कर बताए, कैसे पैसा कमाओ, कैसे धर्म उपार्जन करो, कैसे स्वर्ग में जाओ, कैसे वहां से गिरो, ये संसार की जो धर्म है ना, तुमने जो वर्णना किया ये संसार के धर्मों को ऊपर में पढ़ा चढ़ा कर बताया। लेकिन जो जीव का जो वास्तव धर्म है, जीव का वास्तव धर्म क्या है, हम कौन हैं, हम भगवान के संतान हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है भगवान की भक्ति करो, भगवान को प्रेम करो, इसी से ही जीव को परम शांति मिलेगी। इसलिए तुमने दूसरे दूसरे धर्मों को और तुमने क्या बता दिया, अभी खूब खूब संसार करो, करते करते जो बूढ़ा हो जाओगे ना, जब रिटायर लाइफ हो जाएगी, एक दो माला सकल, अभी तो खूब संसार करते करते हाँ संसार करो भैया, देखना जितने बड़े बूढ़ी होते जाओगे ना, उतना ही संसार में ज्यादा आ सकती है, जितने उम्र होती जाएगी कहाँ संसार से अनासक्त होनी चाहिए, देखना उतना ही जितने उम्र बढ़ते जाए उतना ही संसार में नाती पोती बेटा बेटी में उतना ही आसक्ति बढ़ते जाते हैं। इसलिए भैया नहीं, भगवान की भक्ति बचपन से, भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, बुढ़ापा में नहीं बचपन में। इसलिए अभी तुमने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करो, ये भागवत ग्रंथ रचना करने पर तुम्हें परम शांति मिलेगी, जिसमें कोई इधर उधर बात नहीं, कोई देवा देवी की बात नहीं, केवल भगवान कृष्ण और जितने उनके अवतार हैं और जितने उनके शुद्ध भक्तों का चरित्र को तुम वर्णना करो। तब श्री नारद जी बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश दिए, उपदेश देकर के नारद जी बोले मैं इतने बड़े संत कैसे बना, मैंने एक साधारण किसी गरीब घर में मेरी जन्म हुई, चातुर्मास में कुछ संत लोग हमारे गांव में आए, मेरी मैया ने संतों की सेवा की, मैया जो करेगा बेटा तो वही करेगा, मैं भी संतों की सेवा करने में लग गया, हाँ मैं भी संतों की सेवा किया। जब संतों की अपने सेवा की, एक दिन संत लोग बोल रहे थे, देखो अगर जीवन में भक्ति पाना चाहते हो, तीन चीज को द्वारा जितने जल्दी भक्ति मिलेगी और कोई उपाय नहीं उतना जल्दी भक्ति मिल सकती है, वो तीन चीज क्या है, पहला नंबर भक्तों का चरण धूलि, दूसरा नंबर चरणामृत, तीसरा नंबर उनकी प्रसाद, ये तीन चीज को द्वारा जल्दी से जल्दी प्रभु की प्रेम और भक्ति मिलती है। एक दिन संतों ने प्रसाद पा करके कुछ प्रसाद छोड़ कर गए थे, हमने सुना था संतों का प्रसाद में बढ़ा सकती है, और संतों का आदेश लेकर के एक बार केवल संतों का प्रसाद मैंने ग्रहण की, करते ही मेरा हृदय निर्मल हो गया, हृदय पवित्र हो गई, और मेरे हृदय में ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का प्रति हमारी रुचि प्रकट हो गई। अभी उनके चातुर्मास खत्म होते ही संत लोग जाने के लिए तैयार हुए, मैंने कहा भैया मेरे को भी साथ में ले चलो, क्यों, संतों को साथ में जीवन बड़ा आनंद मिले, क्यों, हर समय हरी चर्चा हरी कथा, हरी की सेवा के सिवाय कोई बात ही नहीं, कोई दुनिया की बात है ही नहीं, और प्रभु के नाम कीर्तन में आनंद ही आनंद है। लेकिन मैंने मैया की एक ही बेटा था, मैया मेरे को जाने नहीं दी, संत लोग जाते समय मेरे को एक मंत्र देकर गए, बोले बेटा ये मंत्र को तुम जप करते रहना, ओम नमः भगवते वासुदेवाय संकर्षणाय प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय, बोले ये मंत्र को तुम जप करते रहना। संत लोग जब चले गए, एक दिन मेरी भैया तीन शाम का समय था, वो गोद होने करने के लिए गई थी, एक जहरीले सर्प को ऊपर में प्यार पड़ते ही वो सर्प ने मैया को काटा, मैया तो वहीं पर प्राण त्यागी, किसने कहा नारद जी तेरे माता जी को सांप ने काट दिया, शरीर छोड़ दिया, दुखी तो हुआ सुखी भी हुआ, अभी मेरे को वही रोकने वाले नहीं, अभी तो भजन के लिए जा सकता। नारद जी वहीं से ही भजन करने के लिए चल पड़े, जब चल पड़े घोर जंगल में प्रवेश किया, बड़ा सुंदर सर्व था जिसमें सुंदर कमल फूल खिले हुए, और उसमें मैंने स्नान की, पेट भर कर हमने पानी पी,
और संतों ने जो मंत्र दिया था वहीं पर बैठ करके एक मन से मैंने ये मंत्र को मैंने जप की। मंत्र जप करते 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 मेरे हृदय जब निर्मल हो गया, इतने में भगवान की एक झलक मैंने दर्शन किया। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जब भगवान के दर्शन की, दर्शन करते आंखों से आंसुओं की झरी बहने लगी, लेकिन भगवान उजाला हो गए। मैंने रोने लग गया, जैसे मेरी स्थिति कैसे मानो जैसे चेत की महीना हो, एकदम तपी हुई हाँ धूप है, आप धूप से आ रहे हो, प्यास के मारे तुम्हारी छाती फट रहा है, किसने एक ग्लास सुंदर जूस लेकर के आपको देगा, लेकिन मुंह में अगर एक घूंट पिलाकर अगर निकाल दे बताओ क्या होगा। बोले भैया पिलाना नहीं तो तुम पिलाता नहीं, लेकिन एक घूंट पिलाकर के निकाल क्यों दिया। कहते उसी तरह जब मुझे एक झलक ठाकुर का दर्शन मिला, इतने आनंद इतने आनंद हुई, लेकिन जब अंतर ध्यान हो गए इतने दुखी हो गया। जैसे मछली को पानी से निकालना, जैसे छटपट छटपट करती है पानी के बारे में, भी छटपट छटपट करने लग गया। इतने में आकाशवाणी भी नारद जी, अभी तुम्हारी भजन में कुछ कमी है, केवल तुम्हारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए मैंने दर्शन दिया, फिर तुम्हें अगले जीवन में दर्शन मिलेगा। फिर मैंने अगले जीवन में श्री गिरिराज गोवर्धन में तुम्हें मेरा दर्शन मिलेगा। नारद जी दूसरे जीवन में ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप में जन्म हुए, और गिरिराज जी तलंग में जब उन्होंने भजन की तब स्वयं श्री राधारानी और श्री जुगल सरकार भगवान के दिव्य रासों में ठाकुर जी के दर्शन मिला, और राधारानी अपना प्रसाद ही बिना हमें प्रदान की। और जब जब मैंने प्रसाद बिना में भगवान का नाम को कीर्तन करता हूँ, भगवान भागते भागते आते हैं और मेरे को दर्शन देते हैं, और जहाँ इच्छा करता हूँ, जैसे ये मन जितना तेजी से ये मन गति की गति है, उसी तरह अगर शरीर भी सर्वत्र गति करता है, सर्वत्र प्रभु का नाम को लेकर के कीर्तन करता हूँ, आनंद में डूबा रहता हूँ। इसलिए जय व्यास, अगर तुम भी जीवन में शांति पाना चाहते हो ना, इधर उधर की बात मत लिखा करो, केवल भगवान की चरित्र, भगवान कृष्ण राम नरसिंह भगवान की चरित्र और उनका भक्त का चरित्र वर्णना करो, इसमें बड़ा आनंद है। जब श्री नारद चले गए, व्यास ने भक्ति युक्त समाधि को जरा समाधिस्थ हुए और उन्हें पूरा गोलोक वृंदावन में दर्शन किया, कैसे राधा कृष्ण कैसे मिट्टी मिट्टी लीला कर रहे हैं, कृष्ण कैसे गैया चला रहे हैं, कृष्ण कैसे रास रचा रहे हैं, कृष्ण कैसे घर घर में भगवान भक्तों की कैसे मक्खन चोरी कर रहे हैं, मैया जशोदा कैसे कुखल में बांध रही है, बड़ी प्यारी प्यारी प्रभु की लीला दर्शन की, और उन्होंने ही ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ बनाए। बोले भैया ग्रंथ तो बड़ा सुंदर बन गया, लेकिन ये ग्रंथ पढ़ाए किसको, किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही ये ब्रह्म ज्ञानी बन करके चले गए। इतने में श्री व्यास देव के चार ही चेले थे, व्यास देव जी ने कहा देखो मेरे एक तोता था कहीं उठते हुए चला गया, मेरे तोते को पकड़ करके ला सकते हो। बोले गुरु जी जंगल में बहुत सारे तोते हैं, हमें क्या पता अपना तोता कैसे। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, तुम चारों को मैंने चार मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र सुन करके जो अपनी आप पकड़ में आ जाएगा समझना नहीं कही तोता। बोले ऐसे मंत्र, बोले हाँ। उन्होंने चार चेलों को चार मंत्र सिखाया, पहला चेले को क्या मंत्र सिखाया, बोले बरहा बिरम नटवर बपू करनो करनी कारम विप्रतवास कनक कपिशयम वैजयंती चमाला रंध्राण बेणु रधर सुदया पुरया नमो वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम मतलब है राधारानी खुद कह रही है हमारे बांके बिहारी कितने सुंदर है। बोले बरहा पीड़म जिनके सर पर बल होता है, बोले नट बर बबू, बोले उनका स्वरूप कैसे, बोले तीन जगह से टेढ़े, बोले टेढ़े क्यों, कृष्ण सीधा क्यों नहीं है, टेढ़े क्यों,
लेकिन ना कोई सीधा चीज अंदर में जाए तो निकल जाए, लेकिन कोई टेढ़ा चीज घुस जाए फिर ना निकलता ना। अगर कन्या जिसकी हृदय में एक बार घुस गए ना, फिर तो कभी निकलेगा नहीं, पागल बना कर घुमा करेगा। इसलिए बोलते हैं बोले गले में बोले वैद्य माला, गले से लेकर के चरण तक सुंदर माला पहने। वो माला को कौन बनाती? बोले श्री राधा रानी। बोले इधर क्या? बंसुरी बजाते कृष्णा। इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती है मैं अगली जीवन में और राधा ही नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो मैं बंसुरी बन करके। बोले क्यों? बोले देखो ये बंसुरी ने पूर्व जन्म में क्या तपस्या किया, कृष्णा कभी उसको छोड़ते नहीं, कभी अधर में, कभी कमर में, कभी उसको हाथों में। कृष्णा को हम गोपी, कृष्णा की अधर में हमारी अधिकार है, लेकिन कृष्णा दिन रात ये बंसुरी बजाते ना होठ में, ये बंसुरी कृष्ण का सारे अधरा पर तो यही मान करता है। और देखो कृष्ण का अधर कितने सुंदर है लाल, लेकिन ये पी पी करके कृष्णा अधर का नीला बन गया, मतलब कृष्ण का सारे अधर को ही मान कर रहा है। इसलिए राधा रानी कहती है मैं पौर्णमासी से प्रश्न करूंगी ये बंसुरी पूर्व जन्म में क्या तपस्या किया था जो कि ये बंसुरी बन करके आई, मैं भी बंसुरी बन करके आऊ। और कृष्ण जब सखाओं को साथ में वृंदावन में प्रवेश करते हैं, कृष्ण का चरण स्पर्श पाने की पृथ्वी कहते जो घास नहीं मानव उनके सहित लोगों खड़े हो गए, झरना नहीं कृष्ण का चरण स्पर्श से आंखों से आंसुओं की झरी बहती है। देखो वृंदावन धाम कितने महिमा, अभी भी कृष्ण के चरण चिन्ह भी वृंदावन में कृष्ण का चरण चिन्ह पड़ा हुआ। और कृष्ण जब सखाओं के साथ में प्रवेश करते हैं वृंदावन में, सारे सखा लोग कृष्ण की बल श्री वाक्य बिहारी लाल की, बल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सबके सब जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। देखो ये राधा रानी ने ये श्लोक बोली, पहला चेले को ये श्लोक सुना दिया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञानी थे, वो पहले ये चीज को समझो हरे कृष्ण, पहले ये सुखदेव गोस्वामी भगवान को निराकार निराकार मानता था। अभी कुछ संप्रदाय ना बोले निराकार है भगवान, अरे भगवान निराकार तू पे कहां से आ गया? अगर भगवान की रूप नहीं होगा तो तू कैसे आ गया? इसलिए हमारे कोई भी शास्त्र में भगवान को निराकार नहीं बताया है, हैं भगवान को साकार बताया। वाक्य भी आए कितने सुंदर, देखो भगवान राम का रूप है कि नहीं, भगवान श्री हैं नारायण का रूप है कि नहीं, रूप तभी तो हम आए ना। इसलिए कहते हैं ना तुम्हें वो माता च बोलो, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविण, तुम्हें वो सर्वम मम देव। लेकिन हमारे जो साइंस कहती है एक एक हुए डार्वी, वो क्या कहता है, पहले हम लोग बंदर थे, हमारे पूर्वज लोग पहले बंदर थे, अब ये बंदर का पूंछ कटते 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 खत्म हो गया, फिर हम इंसान हो गए। बोले भैया अभी कितने सारे बंदर घूम रहे हैं, उसी समय एक बंदर की इंसान, अभी कोई बंदर इंसान क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अगर बंदर से इंसान होते तो बंदर से कभी इंसान नहीं बनता है। ये डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, बोले मेरे को तो सरकार ने जोर जबरदस्ती किया था लोगों को नास्तिक ही बनाने के लिए, लोग नास्तिक हो जाए भगवान भगवान नहीं माने, मेरे को जोर जबरदस्ती किया था उनको प्रूव करके दिखा दो लोग नास्तिक बन जाए। और मरने से पहले बोला बंदर से कभी इंसान नहीं बनता है, भगवान से इंसान आए। देखो कृष्णा, देखो कृष्णा राम का तस्वीर कहीं नहीं दिया, भगवान कृष्णा राम का कहीं तस्वीर है आप देखना, भगवान कृष्ण राम से मिलाओ मिलेगा कि नहीं? राम का नाम भी जैसे हमारे नाम जैसे, भगवान राम कितना हाथ है, कितना हाथ है, दो, हमारे कितना हाथ है, दो हाथ है, उनका अंगुली जैसे हमारे भी अंगुली जैसे है, उनका दो पैर हमारे कितना पैर है, चार पैर है, कितना पैर है, दो पैर। इसलिए भगवान के हम बच्चे हैं, बंदर से नहीं हुए हम, बंदर से वही नहीं हुए हम, किससे हुए हम, श्री भगवान से हुए, श्री वाक्य बिहार जी से और श्री भगवान राम से हम हुए। बोले श्री वाक्य बिहार लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी पहले
भगवान को निराकार 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 बोलता था, लेकिन जब उन्होंने श्री बांके बिहारी कितने सुंदर है, जब ये श्लोक सुना है ना, देखो श्री जनक महाराज नाम सुने हो, जनक महाराज के बताओ तो जनक महाराज कौन थे, कौन बोले कहा था बस, जनक महाराज कौन थे कुछ नहीं जानते, कौन थे सीता जी के पिताजी थे, इसलिए जब भी भगवान को निराकार निराकार मानते थे। लेकिन भगवान का नाम जब जनकपुरी में गए ना, देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले इन्हें बिलो कतवती हर सीता, लक्ष्मी को कौन शादी कर सकता है, नारायण है, इसलिए राम कौन है, ये स्वयं श्री नारायण है, इसलिए मेरी बेटी की शादी किससे होगी, श्री राम से होगी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म ध्यान में थे, लेकिन जब बांके बिहारी की देह के छटा और मेरा मन है गयो लटा पटा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी का मन लटा पटा हो गया और वो निकल करके आ गए। बोले भैया इतने सुंदर श्लोक तुम्हें कहाँ मिला, बोले मेरे गुरुजी ने बोला एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया और ये श्लोक को सुन करके जो तोता अपने आप पकड़ में आ जाए, समझना मैं वही तोता, बोले भैया मैं वही तोता हूँ वो देखने के बड़े सुंदर वाक्य भी आई, लेकिन उनको पिता माता कहाँ रहते हैं, वो घर कहाँ पर है, दूसरा चलाने कहा, बोले जयती निधिकम जन्म ना प्रज भैया बेटी को तो हम शादी देंगे, कोई काम धाम करता कि नहीं, पैसा है कि नहीं,
ऐसे नहीं बेटी तो भूखी नहीं रह जाएगी, ये तीन सकोगे। इसलिए दूसरा प्रश्न, क्या वो कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है? बोले भैया वृंदावन में रहते हैं। बोले वहां की धूली कैसे? बोले चिंतामणि। बोले पृथ्वी कैसे? बोले तत्व भीतर जो मांगो वही मिलेगा। बोले जहां पर लक्ष्मी, एक लक्ष्मी नहीं करोड़ों लक्ष्मी जहाँ झाड़ू लगाती है, माँ लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती है, अगर बेटी को साधित हो ना वो राज रानी जैसे रहेगी। राज रानी जैसे कि बच्चों को देखना, मतलब बात नहीं करती कि बच्चों को एक साथ मत बैठा, अलग कर दो, अलग कर दो बच्चों को। इसलिए अगर बेटियों को साधित हो गए तो बेटी बढ़िया रहेगी, राज रानी जैसे बनी रहेगी। तीसरा प्रश्न करते हैं, तीसरा प्रश्न किया उसका परिवार कैसे? ऐसे नहीं सास लड़ा लड़ाकू, ससुर भी लड़ाई करने वाले, ननद भी लड़ाई करने वाले, और जेठ तो हर्ष में कटाप लेने रहता है, ऐसे तो नहीं। बोले उनके परिवार कैसे है? बोले उनका परिवार, उनको पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब क्या? सबको जो आनंद दे। बोले माँ का नाम बोले जसोदा, बोले जसोदा मतलब सबको जो आदर जस दे। बोले भैया का नाम बोले ताऊ दया, ताऊ भैया की दया है। परिवार बड़ा अच्छा परिवार है। देखो सबसे महत्वपूर्ण है, बेटा देखने में सुंदर, खूब पैसा कमाता है, परिवार बढ़िया है, लेकिन चौथा प्रश्न करते हैं भैया उसका नेचर कैसे है? अगर दिन भर माल पी करके पड़ा रहता है, अगर बात बात पर मारना मारना मारता है, पिटाई करता है, इसलिए गंगा जी पर जुआ खेलता है, फिर बेटा जितने अच्छा हो कभी आप बेटी को साथ दोगे? दोगे बताओ? नहीं दोगे। इसलिए चौथा प्रश्न करता है उसका नेचर क्या है। फिर चौथा चेले ने बताई, बोले अहो बकिया मस्तक काल पूजितम। बोले उसका जैसे दया जगत में कोई नहीं। बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु, वो तो दया की सागर है, करुणा की सिंधु है। उतना जैसे व्यक्ति राक्षसी जो भगवान के लिए जहर लेकर गई थी, जो अपवित्र थी, लेकिन भगवान केवल माँ की बेस में एक बार ठाकुर जी को गोद में उठा लिया, ठाकुर जी उसको बोलो वृंदावन में स्थान दे दिया। मतलब कृष्ण कैसे है? बोले को ना आप को ना प्रभु देखो ओ ना का भगवान उसकी अपगुण का प्रति नजर नहीं रहता है, उसका अंदर में जो गुण है वो गुण को देखते हैं। सुखदेव गोस्वामी हाथ उठा करके पागल होकर के कम बा दयालु शरणम व्रजेमा, ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएंगे? अरे श्री सुखदेव गोस्वामी आए, पूरी व्यास तक उनकी उनको भागवत कथा सुनाए। बस श्री सुखदेव महाराज इसलिए कहते भागवत की वक्ता कौन है? जो परम ब्रह्म ज्ञानी। बोले भैया श्रोता कौन? बोले श्रोता का साधारण है। बोले श्रोता कौन है? श्री परिधि, जिन्होंने मातृगर्भ में कृष्ण दर्शन लिए। यहाँ पर महाभारत की कथा थी, ध्यान देकर सुना, यहाँ पर महाभारत की कथा है। देखना ये महाभारत का कारण क्या है, अच्छा तरह से सुनो। दो कारण से महाभारत क्यों हुई, दो कारण से महाभारत हुई। पहला कारण था दुर्योधन चाह रहा था कि भाइयों का जितने प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, सारे प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, सारे प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, इसकी अंदर भी ये भावना थी, इसलिए महाभारत हुई। दूसरा कारण क्या थी, द्रौपदी ने थोड़ा जीवा को चला दिया, उन्होंने जीवा में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, इतनी सी बात बोल दी, अंधा का बेटा अंधा होता है, दुर्योधन को बोल दिया। देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे हर चीज में हड्डी है, देखो अंगुली में हड्डी सीधा हो जाता है, हाथों में हड्डी सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी बैठे हैं, प्यार में हड्डी चलते हैं, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं, बोलो किसमें नहीं? ये जीव में नहीं, सब हस्त लपर 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 है ना, यहाँ पर बैठ करके कुछ माता यहाँ भी बात कर रही है, संसार में तो बात करते हो, ये कथा में आ करके भी यहाँ लपर लपर आस पड़ोस में बात कर रहे हैं। इसलिए जो जीवा है ना, ये महाभारत क्यों हुआ, सीता ने थोड़ी सी जीवा चला दी, लक्ष्मण की इतनी सी बोल दी, जिस समय कदसी मारिच ने हिरण का रूप धारण करके भी आए,
मैया सीता राम से पहले उसको पकड़ कर ला दो, राम चले गए लेकिन उनका राक्षस था, जब पकड़ नहीं आया जो बाण मारे हिरणा में लगते ही ना, हिरणा बड़े जोर से चिल्लाया, हिरणा ने को मारी जी कहा बोले भैया लक्ष्मण बचाओ। सीता ने कहा देखा तेरे भैया को ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ी, लेकिन लक्ष्मण को पता मेरे प्रभु भगवान है इनको ऊपर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकते, और भैया बोल कर गए क्या सीता को अकेला छोड़कर जाना नहीं, बोल कर गए भाई का आदेश है। लक्ष्मण बोले मैं नहीं जा सकता, बोले अभी मैं मेरे को पता चला तू साथ में क्यों आया था, तू ये सोच रहे हो अगर बड़े भैया राम मर गया तो मेरे से शादी करोगे, मैं कभी भी तेरे से शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन लक्ष्मण सीता को क्या मानती है, माँ है, अगर माँ अगर ऐसे बोले तो शादी कर सकती है। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा को पार कर चले, बोले माता जी कभी भी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना, बोले ठीक है। लेकिन सीता दो गलती की, सीता तो लक्ष्मी ये नहीं कर सकती, हमारी माता हमको सिखा देती है, क्या सिखा देती है, एक तो ये जूहा नहीं चलाना, देखना भाई आगे की पढ़ाई बात कुछ नहीं, थोड़ी सी ये जूहा स्लिप हो गया और अपने दौरानी को कुछ थोड़ी सी बोल दिया, नहीं तो स्लिप हो गया जूहा कुछ नहीं हुआ। हमको उसने ऐसे बोला ना, बस रात को पति को कान का मंत्र इतना सुख कर देती, मेरे को उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, बस फिर तो भाई भाई में लड़ाई, गो में लड़ाई, इसलिए सिखा देते खबरदार ये जीवा को कट कर रखो, नहीं तो घर में हमारी महाभारत शुरू हो जाएगी और रामायण शुरू हो जाएगी घर में। अब विशेष करके माताओं को सावधान किया है, ये माताओं को ये सावधान करते हैं जीवा को, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते ज्यादा बोलना है ना, ज्यादा बोलना है ना, इसलिए महाप्रभु बोले हरिनाम की थली लो, माला लो और रोज रोज एक लेख एक एक लाख हरिनाम करो, कितना माला करो एक एक लाख प्रभु का नाम जब करो तो साथ में हमारी जाएगी, इसी जीवन में भी रक्षा उधर भी ही जाने वाले, इसलिए ज्यादा बोलने जिनका इच्छा है ना लपड़ लपड़ करने का, ज्यादा ज्यादा जीवा को नहीं चला रहे, क्या करो एक बार हाथ उठाओ बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, और एक बार जोर कर दो बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम जप करो, और दूसरा चीज सिखा दी देखो माताओं को, कभी भी लक्ष्मण रेखा मत पार करो, मतलब क्या, अपना जो मर्यादा है ना अपना मर्यादा को अंदर बदलो, अपना मर्यादा को कभी भी उल्लंघन मत किया करो, जिस मर्यादा में रहना रहो, अगर मर्यादा रेखा को पार करोगे ना फिर रावण उभर कर जाएगा, हमें कौन तार ले जाएगा। अब विशेषकर अभी जो नए नए जो कॉलेज स्कूल कॉलेज में बैठने वाली लड़कियां हैं विशेषकर उनको सावधान है, ऐसे नहीं जहाँ तक प्रेम करोगे हैं जाकर के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओगे, नहीं मर्यादा अपना परिवार में ही शादीशुदा करो, पिता माता के आदेश पर शादी करो, नहीं तो क्या होगा कि जो प्रेम है ना पहले कहाँ से शुरू होता है, आई लव यू, ये पहले कहीं से शुरू होता है, कुछ देर बाद में आई लीव यू, खैर आई गिव यू, फिर कोर्ट में जाकर नंबर का, इसलिए पिता माता जैसे जहाँ शादी कराए अपना पूर्ण मर्यादा से जितने लव प्यार ले दिया वो ज्यादा देर नहीं टिका, नहीं टिका और डाइवोर्स हो गया। इसलिए अभी का जो लड़कियां हैं सावधान रहना, ऐसे नहीं जिसको जिसको अपना पूर्ण मर्यादा में रहो नहीं तो रावण उठाकर ले जाएगा हैं, इसलिए हर समय अपना मर्यादा से भी बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए श्री पैकी अपना गर्भ में ही जब ये मातृ गर्भ में थे अस्वस्थ हमारे ब्रह्मास्त्र प्रयोग की उसी समय उत्तर आने श्री प्रभु की शरण में चले गए, कृष्ण गर्भ में प्रवेश करते हुए ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करते हुए उनको रक्षा किया, और जन्म होते ही गर्भ में उन्होंने कृष्ण का दर्शन की थी, और जन्म होते ही सबको परीक्षा कर रहे थे वो हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ पर, भगवान कहाँ पर है,
वो सब का परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया श्री परीक्षित नाम पड़ा। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। ये भागवत का ये कौन है? बोले श्रोता है, वक्ता जैसे बड़े महान पुरुष श्रोता भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। हमारे ये है नवीन प्रभु है यहाँ पर, हरे कृष्ण। देखो प्रभु जी कह रहा है, देखो कल है आपकी शहर में श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा है। क्या है कल? जगन्नाथ रथ यात्रा। बलराम जी करे, बलराम महाराज है, इसलिए इसलिए कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। आप लोगों का परम सौभाग्य है जो कि आपकी शहर में कल श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगा। देखो ये जगन्नाथ का देश का मेन, इधर सुना, जगन्नाथ का देश का मेन। जब से जगन्नाथ की रथ यात्रा होता था, जो बड़े बूढ़ी जो माता की गर्भ में गर्भवती होती थी, बोलती देखो तुम रथ यात्रा में मत जाओ। बोले क्यों? बोले जगन्नाथ जी जब रथ में बैठते हैं वो इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न रहते हैं, इतने खुश रहते हैं, उनकी आंख जितने दूर तक नजर जाएगा। देखो जगन्नाथ जी कृष्ण है, अभी कथा सुनेंगे प्रभु जी, जगन्नाथ जी कथा सुनाएंगे। इनकी आंख देखो बड़ी बड़ी आंख है, आंख की पलक नहीं छप रही है। कहते इनकी आंख जितने दूर तक इनकी आंख की नजर जाती है, उतना दूर तक भगवान की आंख है ना, वहां पर किसी तरह का दुख कष्ट महामारी, किसी तरह का दारिद्र, किसी तरह का दुख कष्ट नहीं रह सकता है, जितने दूर तक उनकी नजर जाए। इसलिए और उस तरफ में श्री दाऊ भैया से बढ़ते और बीच में उनके बहनी है, और इस तरफ में श्री सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन मतलब क्या? सुदर्शन, जिनके दर्शन अच्छे हैं, जिनके दर्शन अच्छे दर्शन हैं। इसलिए जिनकी उनकी नजर आपकी गली गलियों में श्री जगन्नाथ जी जाएंगे, जिनके घर को सामने जाएंगे। आप लोग कोशिश करना, देखो ये ऐसे एक ही ठाकुर है, हम तो ठाकुर को दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, लेकिन पृथ्वी में एक ही ठाकुर जगन्नाथ भी है। ये मंदिर निकल करके, मंदिर से निकलते हुए वो कहाँ जाते हैं? लोगों को दर्शन करने के लिए मेन रोड में ठाकुर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मेन रोड में ठाकुर जाते हैं। बोले क्यों? जैसे भागवत कथा हो रही है, जैसे भागवत कथा, कुछ लोग घर छोड़कर नहीं आ रहे, घर छोड़कर भी नहीं आ रहे। इसलिए कल ठाकुर जी निकल करके जाएंगे, भैया ऐसे कौन सा काम में तू फंस गए हो, तो जो मेरे कथा में तू नहीं आ रहे हो, पहले सुन रहे थे ना, ये कथा की इतनी दुर्लभता है। बोले स्वर्ग में भी ये कथा नहीं, ब्रह्म लोक में भी नहीं, सीम लोक में भी नहीं, कभी ये कैलाश लोक में भी ये कथा नहीं। जिसको सुनने के लिए वैकुंठ से करोड़ों आते हैं, शंकर जी कैलाश से आते, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक से, देवता देव लोग से कथा सुनने के लिए आते हैं। और ये धर्मशाला का नाम क्या? स्वर्णकार धर्मशाला। और यहाँ पर कथा हो रही है, और देखो यहाँ बड़ौदा से बस भर भर करके आ रही है भक्त लोग, बड़ौदा से भक्त लोग यहाँ वहां से किराया लेकर, लेकिन हम पास में नहीं आ रहे कथा सुनने के लिए। इसलिए जगन्नाथ जी देखने के लिए जाएंगे, भैया इसे कौन सा काम में तू बस गए? किसी व्यक्ति को अगर कथा सुनने के लिए बोलो ना, बोले देवी तू चले जा बाहर, मैं काम निपटा करके आ जाऊंगा। बोले तू क्या काम निपटाओगे? तू स्वयं निपट जाओगे, तेरी काम कभी नहीं निपटेगा। अभी तक किसी का काम निपटा है? लेकिन जब भगवान की तरफ में एक कदम बढ़ाओ ना, कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। भगवान की कथा में आओगे ना, भगवान पीछे का काम स्वयं करेंगे। अगर भगवान के लिए नहीं आओगे, कहते जो भगवान का, हाँ अगर तू अपना काम में ना, ठाकुर जी अपना धाम में, अगर तू भगवान का नाम में, फिर भगवान तेरी काम में, ठाकुर जी तुम्हारी काम में। इसलिए ठाकुर जी स्वयं रथ में बैठी करके गली गलियों में भक्तों को दर्शन करने के लिए ठाकुर जी गली गलियों में जाएंगे। आप लोग कल सबके साथ हरे कृष्ण, जिन जिन को घर को सामने ठाकुर जी चलेंगे, आप लोग कोशिश करना ठाकुर जी का आरती उतारने के लिए। भगवान आ रहे हैं ना, ठाकुर का आरती उतारने का बड़ा पुण्य है, भगवान का आरती उतारने का बड़ा पुण्य है। ठाकुर का आरती उतारना
अगर वो तो थोड़ी मिठाई हो फादर हो ठाकुर जी को भोग लगा था ठाकुर जी को किंतु सुदामा जी ने ठाकुर को दो मुंडी चिड़वा दिए थे ठाकुर जी उनको त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी दे दिए। इसलिए कल हमारे बलराम प्रभु इसी विषय पर अनाउंसमेंट करेंगे ठीक है। और कल आप लोग एक ही रंग का कपड़ा पहन के आना सबके सब कौन सा रंग पीला रंग कौन सा रंग के दूसरा रंग नहीं होनी चाहिए नहीं हो तो उधार कर मिलेगा लेकिन पहनना सबके सब पीला रहेंगे नहीं ऐसे नहीं भाई लोगों को परेशान नहीं करना ये बोलना नहीं बाबा ने कहा पीला घर में पीला साड़ी नहीं हमको ला कर दो नहीं कोशिश करना जैसे पीला रंग हो अच्छी बात है अगर नहीं हो तो दूसरे लेकिन बढ़िया कपड़ा जैसे शादी में जाते हैं ना चमकदम पहन कर के ऐसे कल एकदम सर धज करके शादी का इतने लहंगा चटाई को निकालना क्योंकि वो आलमारी में खराब हो रहा है खराब हो रहा है उसको सबके सब निकालना क्योंकि कल भगवान के दरबार में आ रहे हैं ना भगवान के दरबार में इसलिए बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन करके अपना बच्चों को भी सबको बड़े बड़े सुंदर कृष्ण और गोपी बना करके सब अपना बाल गोपाल को कृष्ण और गोपी बना करके लाना सब बच्चों को ठीक है सब बच्चों को लेकर के आना और कल बड़े धूमधाम से श्री जगन्नाथ जी कीर्तन करते करते आपकी शहर में श्री जगन्नाथ जी निकलेंगे और पूरा परिवार को अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर के आना। देखो जब सुना जो रस्सी है ये रथ क्या है ये रथ नहीं ये राधा रानी का हृदय है। जब कृष्णा राधा रानी से द्वारका से मिले तब राधा रानी कहती है श्याम सुंदर आप भी वही कृष्ण मैं भी वही राधा रानी। लेकिन जब हम वृंदावन में जहाँ पर कलकल नाद से यमुना बह रही थी जहाँ पर बलि चमली जुई फूल मिला हुआ जहाँ पर बैल गुहू करते थे जहाँ पर बैल फेंका करते थे जब निकुंज में हम मिलते थे जो आनंद ये आनंद वहाँ पर है ही। अगर आप मेरे को आनंद देना चाहते हो मेरी हृदय रूपी रथ में आप बैठो और आपको हम सब ले जाएंगे वृंदावन में जब वृंदावन में मिलेंगे तब आनंद मिलेगा। ये रथ नहीं ये राधा रानी के हृदय है। रथ को कौन खींच रही है गोपियां ये ब्रज गोपियां कृष्ण को ले जा रही हैं। इसलिए कल सबके सब भगवान प्रेम के भूखे हैं कल सबके सब गोप और गोपी भाव से आना ठीक है ना गोप और गोपी भाव से लेकर के आना और जगन्नाथ जी को लेकर के हम आपके शहर में चलेंगे। और आप लोगों को जब जगन्नाथ जी यहाँ से चलेंगे नियम है जगन्नाथ जी को जो भोग लगनी चाहिए इसलिए अपना घर से कोई मिठाई हो कोई फल हो कोई नमकीन हो कुछ ना कुछ लेकर के आना जगन्नाथ जी भोजन करेंगे। ऐसे नहीं जगन्नाथ जी रथ में बैठने से पहले हम कोशिश करके तीन रहते रहते जैसे रथ आ जाए तीन रहते रहते। लेकिन यहाँ पर जब मैं आता हूँ बड़ों तो के लोग इतना 20 किलोमीटर से आ जाते हैं लेकिन यहाँ का लोग खाली अगर सिनेमा हो ना आधा घंटा पहले जाएंगे पैसा देकर के देखेंगे नहीं। कल 4 बजे आप लोग आपको एक एक टोकर दिया जाए तो 4 बजे आ जानी चाहिए नहीं तो आपका चीन पर भगवान को भोग नहीं लगेगा। अब किसी तरह से कोशिश करके जैसे 5 बजे यहाँ से हम निकल जाए 5 बजे आज निकल जाए हो सकता है जाने से पहले थोड़ी सी जगन्नाथ जी कथा सुन करके जाए। कल किसी हालत में आप कोशिश करना 4 बजे आ जाने का चाहिए ठीक है ना। पूरा देखो हम संडे कल इतवार है इसलिए हमने रखा संडे छुट्टी मिलेगा सबको सबके सब आसानी से आ सकते हैं इसलिए हमने रखा है। इसलिए आप अकेले नहीं आना पूरा परिवार अड़ोसी पड़ोसी जैसे पूरा बागपत में तहलका मच जाए जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा कैसे निकला था जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे निकला ठीक है ना। इसलिए सबके सब आनंद पूर्वक नाचते देखो हम बड़े दूर दूर से जो भजन कीर्तन करने वाले उनको भी बुला रहे हैं आप देखना बड़े सुंदर भजन को गाते गाते ठाकुर जी की कीर्तन भजन को गाते गाते नाचते कूदते हुए ऐसे आपको लगेगा जो बात पद नहीं ये साक्षात गोलोक वृंदावन बन गया गोलोक श्री वृंदावन धाम बन गया आपको ऐसे लगेगा। इसलिए प्रभु जी आपको जगन्नाथ जी है कौन जगन्नाथ कोई नहीं कृष्ण है बलदेव कोई नहीं दाव भैया सुभद्रा सुभद्रा ये कैसे ऐसे रूप बने अभी हमारे प्रभु जी आपको इसे बड़ी सुंदर कथा सुनाएंगे जगन्नाथ जी बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। हमारे वो है जनार्दन प्रभु जी मेरे प्रभु जी गोमुख ज्ञान दिव्यानंद से
ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलि हमें तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णु पादाय राधिकाय अभ्यात्मने श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नाम सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्यनिलाभनिष्ठ ओम विष्णु पाद विष्णु कृष्ण श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए वृंदावन से आए हुए समस्त भक्तों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है और बागपत क्षेत्र के समस्त भक्तों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारा श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस है और कल रविवार होने के कारण जिससे कि दूर दराज से भी लोग आ सकते हैं इस महोत्सव में जगन्नाथ रथ यात्रा रथयात्रा महोत्सव में आ सकते हैं, इसलिए छुट्टी का दिन हम लोगों ने चयन किया जिससे कि दूर दूर से भी आप सबके संबंधी आ सकते। जगन्नाथ भगवान जो पूर्ण जगत के स्वामी हैं उन्हें जगन्नाथ कहा जाता है। सब एक साथ बोलेंगे जगन्नाथ भगवान की जय। आज थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए। हरे कृष्णा, थोड़ी सी आगे आगे आ जाओ अभी माताएं, थोड़ी सी आगे आगे सरकार, थोड़ी थोड़ी आगे आगे और थोड़ी सी कोई सड़क नहीं रहे अब एकदम सटल कर बैठ जाओ, एकदम सटल कर बैठ, एकदम पास, एकदम पास बैठ। और पीछे जो कुर्सी रखते ना, कुर्सी में जो माताएं बैठी है तो कुर्सी को थोड़ा पीछे कर दो। भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ के मथुरा गए और मथुरा में बार बार आक्रमण होने के कारण जरासंध को उन्होंने कई बार हराया और जब देखा कि अभी जरासंध को मारना नहीं चाहिए क्योंकि अभी इस पृथ्वी पर बहुत सारे असुर बाकी हैं, उन्हें मारने हेतु जरासंध बार बार पृथ्वी से जितने भी असुर है उनको एकत्रित करके लाता और भगवान श्री कृष्ण युद्ध करके उन्हें मार दिया करते थे। इस तरीके से जब 17 बार जरासंध हार गया तब वह ब्राह्मणों को रथ पे बिठा करके और वहां मथुरा में आक्रमण करने के लिए जब आया तो भगवान श्री कृष्ण जो समस्त लीलाओं के शिरोमणि उन्होंने युद्ध में रण छोड़ नाम अपना ग्रहण करवाया, रण को छोड़ करके चल दिए और वो पहुंचे द्वारिका जहां द्वारिका बसाई और रात ही रात समस्त ब्रजवासियों को समस्त मथुरावासियों को यादवों को द्वारिका में उन्होंने प्रवेश करा दिया। रात को मथुरा में सोए हैं यादव लोग और सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा कि हम द्वारिका में समुद्र के बीचों बीच सुंदर द्वारिका जो है निर्माण हुई विश्वकर्मा जी के द्वारा, वहां जो निर्माण हुई उसमें पूरा आनंद के साथ जो है यादवों ने सुबह अपने आप को पाया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। समय बीता, भगवान ने 16,108 कन्याओं से विवाह किया जिसमें मुख्य मुख्य जो रानियां हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि वो भगवान श्री कृष्ण को देखती उनकी खूब सेवा करती लेकिन वो कभी भी अपने आप को तृप्त नहीं महसूस करती कि भगवान हमारी सेवाओं से तृप्त हुए और हमें किसी प्रकार की खुशी है। अपने आप को असमंजस में महसूस करती कि भगवान श्री कृष्ण की हम कितनी भी सेवा कर लें लेकिन ये ब्रज को भूलते नहीं, हमेशा भगवान ब्रज का स्मरण करते हुए हे राधे हे ललिते हे विशाखे हे यमुने इस तरीके से
स्मरण करते रहते हैं। रात्रि में जब भगवान श्री कृष्ण शयन करते तो रुक्मणी देखती कि भगवान श्री कृष्ण के आंखों से अश्रु धारा बह रही है और पूरा बिस्तरा गीला कर देते भगवान श्री कृष्ण। रोते रोते नंदन करते करते और उनको होश नहीं रहता, बेहोशी अवस्था में श्री कृष्ण राधे राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की अवस्था ये देख करके समस्त रानियां बड़ी व्याकुल हो जाती है कि हमारी सेवा में कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती है, हमारी सेवा कुछ हो नहीं पा रही है, भगवान श्री कृष्ण हमसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे। रोती नंदन करती। एक दिन सभी रानियों ने माता रोहिणी को घेर लिया। हे भैया ये क्या बात है, भगवान श्री कृष्ण कि हम समस्त प्रकार से सेवा करते हैं लेकिन हमारी सेवाओं से हमारे प्रेम से वो संतुष्ट नहीं होते और हमेशा ब्रज का स्मरण करते हैं। ब्रज की सखियां ब्रज की गोपियां इनको इतनी प्रिय है कि हमें उनके सामने नगण्य मानती कि ना के बराबर है और हमारे सामने ही जब इनको आवेश आता है ब्रज का तो हमें भूल जाते हैं कि हम यहाँ सामने खड़े हैं। ये ध्यान नहीं रहता कि हम यहाँ सामने खड़े उनकी सेवा कर रहे हैं, एकदम दौड़ पड़ते हैं और एकदम धड़ाम से गिर करके बेहोश हो जाते हैं। कभी बिस्तरे में रोते रोते पूरा बिस्तरा गीला कर देते हैं, इनके आंसुओं से पूरा बिस्तरा भर जाता है। हे भैया आप तो ब्रज में नहीं है, आपने ब्रजवास किया और आपने समस्त लीलाओं का दर्शन किया, कृपा करके हमें बताइए क्या कारण है कि गोपियों का जो प्रेम है वो इतना उत्कृष्ट इतना ऊंचा है और हम जो प्रेम करती हैं कृष्ण भगवान से वो नगण्य है, ऐसा क्या कारण है। तो रोहिणी मैया ने कहा देखो मैं कथा तो सुनाऊं लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? इस भवन के अंदर तुम जितनी भी रानियां हो इसके अलावा बाहर हमें पहरा देना पड़ेगा जिससे श्री कृष्ण और बलराम जी यहां ना आ जाए, वो कथा ना सुन पाए क्योंकि यदि उन्होंने सुन लिया तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तभी अकस्मात वहां पर नारद जी पहुंच गए। नारद जी जहां भगवान की कथा कीर्तन में नारद जी जरूर पहुंचेंगे और ये संवाद उन्होंने सुन लिया, कहा मैया हम भी सुनेंगे ये संवाद, हमें भी सुनाइए। द्वार पर भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा देवी को बाहर खड़ा कर दिया गया कि और किसी से तो मानेंगे नहीं, अपनी बहन से जरूर मान जाएंगे, किसी रानी को ही बाहर खड़ा कर दिया तो उसको हटा देंगे लेकिन बहन का आदर करते हुए रुक जाएंगे। तो सुभद्रा देवी को बाहर खड़ा कर दिया, द्वारपाल बना दिया कि देवी अंदर मत आने देना, दोनों भाइयों को बाहर ही रोक लेना। अब यहाँ पर कथा शुरू हुई, मैया ने रोहिणी मैया ने सुंदर सुंदर कथा सुनानी प्रारंभ की, जन्म लीला से लेकर के बाल लीला गोवर्ध लीला सुनाते सुनाते गिरिराज लीला सब सुनाई और जब गोपियों के साथ निकुंज लीला और रास लीला का वर्णन किया तब भगवान श्री कृष्ण जो अपने राजसभा में बैठे हुए सभा को संबोधित कर रहे थे उनसे रहा ना गया क्योंकि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण कीर्तन कथा ये सब होता वहां भगवान श्री कृष्ण जरूर विराजते, तो भगवान से रहा ना गया और अन्य जो वहां पर यादवगण थे उन्हें सभापति बना करके वहां से चल पड़े और जा पहुंचे उस भवन में जहां पर सभी रानियां एकत्रित थी और रोहिणी मैया उनको सुंदर सुंदर कथा सुना रही थी। वहां पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब आ रहे थे तो सुभद्रा देवी ने देखा कि दोनों भाई यहां पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा भैया आप लोग अंदर नहीं जा सकते, मैया रोहिणी का यह आदेश हुआ है कि आप लोग अंदर जो भी चर्चा चल रही है जो भी कथा हो रही है उसको आप नहीं सुन सकते, आपके लिए निषेध। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम बहन की बात मान करके रुक गए और सोचने लगे कि क्या बात चल रही होगी, जरा सुन तो ले। तब सुभद्रा बहन है उनको समझाया देखो हम अंदर नहीं जाएंगे लेकिन
कान लगाकर सुन तो सकते हैं कि कथा कैसी चल रही है। बोला हाँ ये ठीक है, आप अंदर नहीं जाइएगा, आइए कान लगाकर हम सुनते हैं। अब जब कान लगा करके भगवान श्री कृष्ण ने सुना, बलराम जी ने जब सुना और सुभद्रा देवी जी ने सुना, तो वहां पर सुंदर सुंदर लीला भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की, जैसी ब्रज की लीलाओं का श्रवण भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने किया, उनके तो होश हो गए। क्योंकि ब्रज की गोपियों का जो प्रेम है, ब्रज की गोपियों का प्रेम तो बहुत ऊंचा, ब्रज के गोपाल का जो प्रेम है वो भी इतना उत्कृष्ट है कि उसका आवेश भी जब भगवान श्री कृष्ण को हो जाता है तो समस्त द्वारिका वासी को भूल जाते हैं। उन सबको जब सुना, सुनकर के जैसे ही गोपियों की कथा आई, गोपियों में भी जब सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका रानी की कथा जब श्रवण की, जिसमें मैया सुना रही थी कि किस प्रकार से सुंदर तरीके से रासलीला के अंदर राधा रानी सर्वश्रेष्ठ गोपी है, उसका व्याख्यान किया कि सब जब रास पहली बार हुआ उसमें समस्त गोपियों को एक प्रकार से अहंकार आया, जब मंडल बनाकर के नृत्य गीत हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण प्रकट हुए और 100 करोड़ गोपियों के साथ रास हुआ और हर गोपी के साथ एक कृष्ण वहां प्रकट होकर नृत्य कर रहे हैं और सुंदर तरीके से गोपी को संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये देख करके गोपियों के अंदर ये भाव आया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ये दर्शाना चाहते हैं कि राधा रानी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। तभी उन्होंने क्या किया, 100 करोड़ गोपियों के साथ जो नृत्य कर रहे थे उनके साथ नृत्य करते करते एकदम से अदृश्य हो गया, प्रकट हो गए और राधा रानी को लेकर के वहां से दूर किसी निकंज में चले गए। यहां पर गोपियों ने जब देखा कि यहां भगवान श्री कृष्ण एकदम से चले गए, रास रुक गया और सब भगवान श्री कृष्ण का अन्वेषण करते हुए ढूंढते हुए पहुंच रहे हैं, वन के अंदर प्रवेश कर रही गोपियां और ढूंढते ढूंढते जो वट वृक्ष इत्यादि जो पेड़ है उनसे पूछ रहे हैं कि हे वट वृक्ष, हे पीपल के पेड़ और आंवले के पेड़, आम के पेड़, आप सब हमें बताइए क्या आपने श्री कृष्ण को देखा है। तो एक गोपी बोलती है, अरे ये तो पुरुष जाति के, कृष्ण भी पुरुष है, ये भी पुरुष जाति के निष्ठुर है, वो हमें, हम सब कुछ छोड़कर जो आई थी, अपने परिवार को छोड़कर के आई थी उस प्रेम को पाने के लिए, वो छोड़कर हमें चले गए, तो ये भी उसी जाति के पुरुष लोग हैं, निष्ठुर है, ये क्या जाने, ये क्या बताएंगे, जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। चलो आगे चलते, आगे चल करके तुलसी देवी से पूछा, ये हमारी सखी है, ये स्त्री जाति है, ऐसे ऐसे कई पेड़ों से वृक्षों से पूछा लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। आगे हिरणी मिली, हिरणी से पूछा क्या तुम जानती हो कि श्री कृष्ण कहाँ गए हैं, किसी को कुछ नहीं पता चला। ये भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं का अभिनय करने लगी, ये अभिनय ये स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है नाटक। भगवान श्री कृष्ण से जब प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं तो उसमें स्टेजेस आते हैं, उसमें भगवान का आवेश आ जाता है, तो गोपियों ने वही आवेश को धारण करते हुए आवेश को करके बाल लीलाएं की, असुरों का वध किया वहां पर और सुंदर सुंदर भी जो महाराज सुंदर गोपी गीत गा रहे थे ये सारा गोपी गीत गाया। गाते गाते आगे चले, आगे जाकर के देखा कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमल वहां पर विराजमान है और उन चरण कमलों को जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और वहां पर देखा कि चरण कमलों में 2 छोटे छोटे चरण कमल और विद्यमान हैं जो किसी गोपी के, वो गोपी और कोई नहीं श्रीमती राधा रानी की। उनका दर्शन करके, उनको प्रणाम करके जब थोड़ा सा आगे बढ़े और उनकी आरती उतारी, चरण कमल के चिन्ह की, अभी चरण कमल के चिन्ह वहां बने हुए हैं और वहां पर देखा कि राधा रानी की चरण कमल है, तो उनको प्रणाम करके जब वो आगे गई तो देखा राधा रानी वहां पर मूर्छित पड़ी है। बोलो राधा रानी की जय। अब उनको आभास हुआ गोपियों को कि देखो
भगवान श्री कृष्ण चंद्र हमें छोड़ करके जब चले गए तो हम लोग कोई भी मूर्छित नहीं हुए। हम लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते समस्त वनों में गए, समस्त निकुंजों में गए, लेकिन भगवान के लिए हम लोग मूर्छित नहीं हुई। और श्रीमती राधा रानी को जैसे ही भगवान छोड़ करके गए, यहाँ पर भगवान को किस प्रकार से छोड़ा ये तो महाराज जी बताएंगे कथा में, लेकिन यहाँ जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण अंततः राधा रानी को भी छोड़कर चले गए, तो गोपियों ने देखा कि हम लोग मूर्छित नहीं होती है भगवान श्री कृष्ण के फिरों में, भगवान श्री कृष्ण जब हम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन राधा रानी ऐसी हैं भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर जैसे ही गए वो मूर्छित हो गए। तब उन्हें समझ आया कि हम कभी भी राधा रानी की बराबरी नहीं कर सकते। राधा रानी समूह पर्वत के समान है और हम राई के दाने के बराबर। गोपियों का जो तुलना की गई है वो राधा रानी की समेरु पर्वत के बराबर होने के कारण इनको राई के बराबर बताया। ये सारी जो कथा जब उन्होंने सुनी और फिर भगवान श्री कृष्ण जब गोपी गीत और अन्य गीत गाए गए तो भगवान बड़ी कृपा करके फिर से प्रकट हुए, फिर रास हुआ और अब रास में सबके समझ में आ गया कि राधा रानी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। राधा रानी इतनी भोली भाली, इतनी कृपालु, वो चाहती है समस्त गोपियों को पूर्ण आनंद मिले। इस हेतु वो उनके हृदय में यह था कि जो मुझे श्री कृष्ण से मिलने में जो आनंद मिलता है और भगवान श्री कृष्ण के साथ रहता है, गीत इत्यादि गाते हैं, वो समस्त गोपियों के साथ भी करें। और इस वजह से फिर से महारास हुआ। ये सब कथाएं तो आपको बाद में सुनने को मिलेंगी। बाकी ये सब कथा कौन सुन रहे हैं बाहर? भगवान श्री कृष्ण चंद्र और बलराम जी। जैसे ही ये सारी बातें इन्होंने सुनी, ब्रज की सारी कथा गोपियों का साथ महाराज इत्यादि कथाएं जब सुनी तो उनके अंदर ऐसा प्रेम का विकार उत्पन्न हुआ, उनका पूरा शरीर जो है इतना प्रेम में पिघल गया, जो बड़ी बड़ी आंखें और दोनों भुजाएं अंदर बैठ गई और ये पैर भी उनके अंदर समा गए और बड़ा बड़ा मुंह हो गया और बड़ी बड़ी आंखें हो गई। ये तीनों जो है भाई बहनों की अवस्था हुई। इस अवस्था को देखा श्री नारद जी ने उस समय कहा कि ये प्रेम का स्वरूप दर्शन भगवान सच में प्रेम के विग्रह है, प्रेम की मूर्ति है, मूर्तिमान विग्रह है। और यदि प्रेम को देखना है, भगवान श्री कृष्ण जितने सरल हैं, जितने करुणामय हैं, उतने कठोर भी हैं, लेकिन जगन्नाथ जी पूर्णमय प्रेममय हैं, करुणामय हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बलदेव प्रभु की जय, सुभद्रा देवी की जय। तो ये दर्शन नारद जी ने किए उस समय और भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में प्रणाम करके उनसे ये प्रार्थना की है, प्रभु आपका ये सुंदर जो स्वरूप है जो अभी अभी हमने दर्शन किया, हम चाहते हैं ये जगत को आप दर्शन कराएं, सभी जगतवासी इसका दर्शन करें, क्योंकि आगे आने वाला जो है द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा और कलयुग में कोई वेद पाठ की ओर जाएगा नहीं, कोई रामायण श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों का पाठन नहीं करेगा। उसमें आप कृपा करके ऐसा स्वरूप सबके सामने प्रदर्शित कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहा देखो ये तो मेरा सनातन स्वरूप है, ऐसा नहीं है कलयुग वासियों के लिए, हमेशा हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम के भगवान है और प्रेम में भगवान पूर्णता विकारित होकर विगलित होकर पिघल करके जब ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं तो उनकी ये अवस्था हो जाती है। तो इस अवस्था का प्रदर्शन कराने के लिए जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए और इसकी भी एक बहुत अलग कथाएं हैं, लेकिन आज इस स्वरूप को हम जानेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं, मैं ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी हमारे जगन्नाथपुरी में महाराज जी हैं और भी कल की काफी चीजें आपको बतानी है। एक बात मैं जरूर बता दूं, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कल होगी, आप लोगों को टोकरियां भी दी जाएंगी, जिस जिसको जो जो कुछ बनाना है उसमें प्याज और लहसुन नहीं डालिएगा, कोई सब्जी बनाए, कढ़ी बनाए, कुछ भी बनाए या पकौड़े बनाए उसमें प्याज लहसुन नहीं डालिएगा।
भगवान को भोग बिना प्याज लहसुन के लगता है, और तुलसी का दल उसमें जरूर करके लाइएगा, ठीक है। तो ये स्वरूप भगवान जगन्नाथ जी का प्रकट हुआ, और जो मैं अभी दो तीन दिन से आपको सुना रहा हूं चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, यदि नहीं आते तो ये स्वरूप हमें जानने को नहीं मिलता। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात श्री कृष्ण चंद्र है और राधा रानी से मिलित रूप है, और जगन्नाथ रथ यात्रा वह महान उत्सव है जिसको यदि कोई सुन भी ले कि जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है और उनके स्वागत हेतु खड़ा भी हो जाए एक बार, तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा का कोई रस्सा पकड़कर हल्का सा खींच करके ले चले तो उसके जगत में आने जाने का क्रम खंडित हो जाता है, उसको फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु है, और चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में जाकर के जो पहले से चला आ रहा है उसमें जब संन्यास लेकर के चैतन्य महाप्रभु पूरी पहुंचे तो वहां पर देखा कि जगन्नाथ रथ यात्रा का जो महोत्सव है वो बड़ा ही राजकीय और राजसीय सेना के द्वारा होता है, उसमें भक्तों का कोई अधिकार इतना नजर नहीं आया। तो उन्होंने राजा प्रताप को कहा, हे राजन, हम ये चाहते हैं कि भगवान का जो स्वागत है वो भक्तों करें और हर प्रकार की सेवा हमसे पूछ के की जाए। तो प्रताप एक भक्त थे, और भक्त होने के कारण राजा प्रताप ने कहा, महाप्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा ही आप कीजिए, पहले हाथी घोड़े और ऊंट इत्यादि से और सैनिक इस रथ यात्रा को खींच करके ले जाते थे, वो सारा उन्होंने बंद कराया। महाप्रभु ने कहा, नहीं, इसको भक्त और पुरी के और आसपास के जितने भी भक्त हैं वो आकर के इसको खींच करके लेकर जाएंगे। गुंडीचा मंदिर जो बहुत ज्यादा गंदगी से भरा हुआ भरा पड़ा था, उसको जाकर के कहा, हम खुद इसको अपने हाथों से मार्जन करेंगे, इसको स्वच्छ करेंगे। गुंडीचा मंदिर मार्जन जो है एक तरीके से उसको वृंदावन बोला गया, और जगन्नाथ पुरी में जो मंदिर है जगन्नाथ जी का उसको द्वारिका बोला गया। द्वारिका से रथ को खींच करके भक्त को वृंदावन लेकर जाते हैं, अर्थात मंदिर से लेकर के जब गुंडीचा मंदिर लेकर जाते हैं तो ये भाव वही है जो महाराज जी ने भी बताया। द्वारिका से गोपी और राधा रानी और ब्रजवासी जब कृष्ण भगवान को बलराम जी को सुभद्रा जी को रथ में बैठा करके रथ के घोड़े हटा करके हाथों से खींच करके वृंदावन लाए, तो वही चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में किया कि इसको हाथी घोड़े नहीं खींचेंगे इस रथ को, इसको हम लोग खींचेंगे। और गुंडीचा मंदिर बहुत सुंदर तरीके से अपने हाथों से मार्जन किया और ये दर्शाया चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से कृष्ण भक्ति को हम कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति में किस प्रकार से हमें आना चाहिए। धन्यवाद। पांच कृपा आप लोग कौन कौन से जगन्नाथपुरी गए? बहुत कम लोग गए। आप बताए कौन कौन जाना चाहते हो? आप सब जाना चाहते हो? आप सबको हम ले चाहते, ठीक है। देखो वहां पर जगन्नाथ जी का जो मेन जो विग्रह वही देखो, विशाल मंदिर देखोगे, और पृथ्वी का सबसे बड़ा होटल वहां पर बताया है। रोज रोज कितने कितने लाख लाख लोग आकर के वहां के भगवान के प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसकी कथा हम आगे धीरे धीरे सुनेंगे, और बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर देखोगे कैसे ठाकुर जी साथी देने के लिए वृंदावन से कृष्ण चलते 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 जगन्नाथपुर चले गए। इसलिए जगन्नाथपुरी से पहले एक मंदिर जिसका नाम साकी होगा, कृष्ण चलते चलते कैसे गए? एक ठाकुर जी के देखोगे ठाकुर बैठे भी है, बोले क्यों? बोले एक भक्त उनको पूजा करते थे कृष्ण को, अभी वो हो गए वृद्ध, उनसे और ठाकुर का सेवा नहीं हो पा रहा है। बोले ठाकुर जी आप अलग किसी सेवक को ढूंढ लो और मेरे से सेवा नहीं हो पा रहे हैं। ठाकुर जी बोले कोई चिंता मत करो, कल देखना मैं बैठ गया हूँ। दूसरे दिन गए, देखा सचमुच से ठाकुर जी पद्मासन करके ठाकुर जी बैठे, भगवान बैठे। इसलिए पृथ्वी में एक ही ठाकुर देखोगे
जो ठाकुर जी पद्मासन में ठाकुर जी बैठे हैं, हैं? वहां पर अद्भुत अद्भुत ठाकुर देखोगे, एक ठाकुर देखोगे स्वयं राम अपना हाथों से कृष्ण बनाए। जब भगवान पंचवटी वन में थे एक समय अवसर करके प्रभु राम ऋषि मुनियों को आश्रमों के पास में रह रहे थे। एक समय आंधी तूफान आ गया, गैया इधर उधर भाग रहे थे, भगवान राम बैठा करके मुस्कुरा रहे। मैया सीता ने पूछा प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले कोई बात नहीं। बोले नहीं ऐसे थोड़ी मुस्कुरा हुई, जरूर तो कुछ कारण होगा। बोले देखो मैं अभी राम अवतार, जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा उसी समय में ग्वाला घर में आऊंगा, मेरे पिता की 9 लाख गैया होंगी, मेरे कितने सखियां होंगी, कितने सखा होंगी, मैं चारों गोष्ठी के समय युद्ध करूंगा। सीता ने कहा प्रभु मेरे को थोड़ा दिखाओगे आप द्वापर युग में आपका रूप कैसे होगा? बोले ठीक है तेरे को मैं 7 दिन को बाद में दिखाऊंगा। भगवान राम एक गुफा में गए और एक पत्थर के ऊपर में भगवान राम अपना हाथों से कृष्ण को बनाए, बड़े सुंदर कलसी बजा दिए, चारों गोष्ठी सखा सखी। इतने में उन्होंने जो मूर्ति को दिखाया ना मैया सीता को देख करके आश्चर्य से कितने पड़ गए। बोले प्रभु आप में और इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है। बोले हमने एक ही ना राम, जो वही कृष्ण जो कृष्ण वही राम। बोले प्रभु थोड़ी सी फर्क भी है। बोले क्या फर्क है? बोले राम को बोले आप तो सीधे खड़े हो लेकिन ये थोड़ा टेढ़े खड़े हो, और आपका जो आँख है ना बड़ा गंभीर है लेकिन इनका आँख ना बड़ा चंचल दिख रहा है। बोले हाँ क्योंकि मेरी 7 करोड़ गोपियां होगी ना, इसलिए मेरे और किसी अवतार में तो अकेली सीता हो इसलिए मेरे आग गंभीर और ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। बोले आपको हाथ में तो धनुष है और इनके हाथ में बंसुरी। बोले हाँ इतना फर्क है। इसलिए जिस विग्रह को भगवान कृष्ण अपना हाथों से बनाए, जिसको माँ सीता पूजा करती थी, जिसको बाद में ब्रह्मा ब्रह्मलोक से आकर के जो ठाकुर को पूजा करते थे, वहाँ बड़ी सुंदर सुंदर दर्शन है। आप सबको ले जाएंगे। भगवान स्वयं नारद जी बोले अगर एक बार ये जगन्नाथ जी को रथ यात्रा में रथ ऊपर एक बार कोई दर्शन करे बोले पुनर्जन्म न विद्यते, संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। जो रसी वो रसी की इतने महिमा है हमारे देश में, जब रथ यात्रा हो जाता है ना रस्सी की एक के धागा को तोड़ तोड़ के ले जाते। बोले क्यों? बोले जिस घर में वो रस्सी रख लोगे उसी घर में कोई भूत पिशाच डाकी विसाखी कोई नजर नहीं लगता है। अगर उसको ताबीज रूप में पहने तो सारी बीमारी खत्म हो जाती है, जबकि कमर घुटने में दर्द वहां पर बांधो सारे दर्द खत्म हो जाती है। वो रस्सी की इतने महिमा, जिस रस्सी के जगन्नाथ को किसी रस्सी को पकड़ करके ले जाते हैं, इसलिए रस्सी की एक एक धागा हमारे देश में उसको तोड़ तोड़ करके ले जाते हैं एक धागा को, इतने महिमा जगन्नाथ की रथ यात्रा की। इसलिए अभी हमारे पुरी से एक प्रभु जी है वो थोड़ी सी आपको जगन्नाथ जी की थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। हमारे से जगत श्री जनार्दन भगवत जी की खिड़ा जाए। हाँ हरे कृष्णा। देखो देखो कल तो जगन्नाथ की रथ यात्रा है और जो परसों है ना ये भागवता के भागवत में 14 दिन परसों है और 14 दिन में भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, इसलिए परसों भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करेंगे ठाकुर जी। और जब भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करने वाले जब मैया दशरथ गर्भधारण की जितने ब्रजवासी और 6-6 महीना पहले 84 गज के लेकर चुंदर बना कर रखे। बोले दंशन के लाला होगा तो हम इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। कल भी आप पीले कपड़े पहन करके आना और परसों भी पिलाई कपड़ा पहन कर जाना। क्यों? भगवान का जो वस्त्र है ना कहते जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला। Thank you.
लोग करवा रहे हैं, ये सब आप लोगों का मध्यस्थ से ही कथा हो रही है। ये कथा अपना घर की कथा है, इसका कथा है ये आपका घर का ही कथा, आप लोग ही व्यवस्था। इसलिए जब परसों आओ उसमें कुछ लुटा था, जैसे टप्पी बतासा कुछ खिलौना, इसलिए कोशिश करना परसों कुछ कुछ लेकर के आना, उसको हम लुटाएंगे, वो सब आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कृष्णाय कृष्णभक्ताय जगद्भक्ताय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गुरुभक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 अस्मदीय गुरुपाद पद्म मंचास श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी गुरु महाराज जी का चरण कमलों में अनंत कोटि अनुरोध प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनके हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आप सभी यहाँ पे भागवत क्षेत्रवासी सभी भक्तों को जो यहाँ पे हरि कथा को सुनने के लिए इतनी उत्कंठा मन में लेकर के यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा जन्मित प्रणाम। कुछ समय पहले अभी गुरुदेव बता ही रहे थे आप लोगों को कि यहाँ पे तो हम सारे संसार के काम काज को छोड़ करके आए, इसलिए आए मन की हृदय की शांति के लिए, क्योंकि भाई कोई भी काम किया जाता है उसके पीछे तो एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, एक पर्पज होता है। और वो क्या है, व्यक्ति तो चाहेगा नहीं कि मैं दुखी हूँ, तो सारे दुखों को निवृत्त करने के लिए, सुख को पाने के लिए हम सब कुछ छोड़ के यहाँ आते हैं। यहाँ आकर भी अगर हम उस दुख की बात को बताने लगे, आपस में वार्तालाप करने लगे, फिर क्या फायदा, हम तो वही नहीं ठीक ही थे। कथा सुनते हुए भी कथा में अन्य मनस्कता कथा का फल नहीं है। कथा का फल क्या है, अभी अभी हमारे नवीन रूप जी बता रहे थे, जिस समय द्वारका में कथा होने वाला था, किसी कारण से भगवान को और भगवान के भाई जो बलराम जी हैं उनको पता चल गया क्या कि अभी हमारे भवन में माता रोहिणी हमारी ब्रज की लीला को कथा कर रहे हैं, कोई और नहीं, वही कृष्ण वही बलराम वही दाऊ भैया वही माखन चोर कृष्ण कन्हैया की कथा हो रहा है, और उसको ही सुनने के लिए भगवान आ रहे हैं। और सुन कैसे रहे हैं, कार को खड़े करके, कोई बात नहीं, राजाधिराज राज राजेश्वर होकर के भी भगवान द्वार पे खड़े हुए हैं, और खड़े हो किसी लिए, ये कथा सुनने के लिए। अभी हम थोड़े से सरक नहीं सकते हैं, पंखे की हवा की थोड़े से इधर उधर नहीं हो सकते, जरा सोचो भगवान की क्या अवस्था होती होगी। कथा का फल यही है, जिस कथा के सुनने के पश्चात ही भगवान की ऐसी स्वरूप बन जाती है, वो कथा कभी साधारण नहीं हो सकता। इसीलिए का मतलब कृष्ण सूचक, जो कृष्ण है, था मतलब स्थापन करना, जो चीज हमें कृष्ण में स्थापन कर दे, कृष्ण में तन्मयता ला दे, कृष्ण में लीन कर दे, वही कथा है। अतिरिक्त कुछ भी हो वो कथा नहीं है, अगर हमारे उसमें विकार नहीं है सात्विक। इसीलिए उसी कथा के बल पर परीक्षित महाराज जी को पहले ही कृष्ण के दर्शन हो गया है, उन्होंने कथा सुन करके कृष्ण को पा लिया, सुखदेव गोस्वामी कथा को बोल करके कृष्ण को पा लिया, वेदव्यास ने कथा को लिख करके कृष्ण को पा लिया, उस कथा के माध्यम से। तो कथा की विशेषता है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, कल जगन्नाथ जी के बारे में आपने श्रवण किया, किस प्रकार से पूरी में दो मंदिर है, एक गुंडीचा मंदिर, जो गुंडीचा रानी सतयुग में राजा रानी दो थे, इंद्रदुम्न और गुंडीचा रानी, सतयुग के समय नीलांचल क्षेत्र जो आज अद्यपुरी के नाम पे प्रसिद्ध है, वो स्थान में वो सतयुग में दोनों राजा रानी इसी भगवान को स्थापन किया था। और ऐसे भगवान है जब बाद में इस कलयुग में अपना राज करने के लिए उस स्थान को छोड़ करके कुछ दो ढाई किलोमीटर आगे गए,
वहां पे उनका एक भव्य मंदिर प्रसिद्ध हुआ जो आज हम जगन्नाथपुरी मंदिर के नाम से जानते हैं। दो ढाई किलोमीटर की सीधे रास्ते पे ही दोनों मंदिर है। तो रथ यात्रा के समय वहां से जगन्नाथ जी अपने जन्म वेदी पे आते हैं जहाँ पे उन्होंने छोड़ करके उस मंदिर पे गए थे है? तो जब गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाए, गोपियों के नाथ बन करके भगवान ने गोपी के नाथ तो बन गए, पर हमारे जैसे जीव के लिए उसका क्या है? तो हमारे भी तो ठाकुर जी हैं भाई, गोपियों का नाथ वो गोपीनाथ हो गए, फिर हमारे लिए क्या है वो? इसीलिए सारे जगत के जितने चराचर खाली मनुष्य नहीं, मनुष्य देवता गंधर्व जानवर विद्याधर जीव पेड़ पौधा स्थावर जंगम जितने भी योनियां है उस सारे योनियों के नाथ बन करके श्री ठाकुर जी जगन्नाथ जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। महाप्रभु की जय। तो जो से बोले जगन्नाथ महाप्रभु की, बलराम भगवान की, सुदर्शन चक्र की। तो ये जो जगन्नाथ जी है बड़े ही दयालु है। आप लोग जानते होंगे माता लोग तो विवाह के पश्चात आप लोग अपने घर पे जाते होंगे, जिस दिन जाना होता है सुबह सारे काम काज जल्दी निपटा करके तुरंत आप लोग रेडी हो जाते हो कि कैसे जल्दी जल्दी हम अपने घर पे चले जाए, बड़े दिन बाद भाई सुझो आया है। उस समय अगर रिक्शा वाला बोलता है भैया ऐसा है कि 200 रुपए के बदले में 300 रुपए लूंगा, तुरंत ले भाई 300 की जगह 350 ले, 150 रुपए जाए बस। और पति देव देख रहे क्या कर रही, 200 जगह 350 रुपया दे रहे, फिर भी कोई चिंता नहीं। कितने दयालु बन जाते माता लोग आप लोग। ऐसे ही भगवान आज मंदिर छोड़ करके अपने जन्म स्थान गुंडीचा मंदिर पे आ रहे हैं, तो इतने दयालु बन जाते हैं कि वो करुणा के सिंधु बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, वो तीनों के जिसके कोई नहीं है, जो अनाथ है, जो अनाथ है वास्तव में उसी का ही भगवान है। अमतलब क्या है, भगवान कहते हैं ना गीता में कि अक्षराणाम अकार अस्मि, कि मैं अव है, जितने अक्षर है उसमें मैं अव हूँ। तो ऐसे ही और के जो नाथ, मतलब जो और जिसका नाथ है, यानी कि जिसका कोई नहीं है, जिसका उसी का और है, और मतलब जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ जिसका नाथ है भाई, उसका वो कैसा नाथ हो सकता है संसार सागर में, है ना। ऐसे ही एक दिन एक भक्त थे जिनका नाम था बंधु महांति, उड़ीसा में एक जगह और भी है जगन्नाथपुरी से करीब 450 किलोमीटर की दूर पर एक जाजपुर नामक गांव है। कलयुग में जो अंत समय में भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे उसी गांव में ही वही भगवान अवतार लेंगे। तो उसी गांव में कुछ साल पहले एक भक्त हुए जिनका नाम था बंधु महांति। क्या नाम था? बंधु होते हैं बंधु महांति। अब जगन्नाथ जी की हर साल रथ यात्रा निकलती है, ठाकुर जी सारे जगहों पे अपने रत्न वेदी छोड़ करके, रत्न सिंहासन को छोड़ करके, इतने बड़े ठाकुर जी जो कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े ठाकुर जी जगन्नाथ जी जब उनको लेकर के आते हैं ना, आप लोग कभी अगर पास में खड़े हो गए ना आप सहन नहीं कर सकोगे। 22 बड़े बड़े सीढ़ियां हैं, उस जीने में से उतार उतार के लेकर के आते हैं, नीचे केवल तकिया देते हैं ठाकुर जी के ताकि ठाकुर जी को कष्ट ना हो। एक सीढ़ी उतरते तकिया फट जाती है, वो रुई बाहर आ जाता है। भगवान को इतने लत कच करके लेकर के आते हैं पर फिर भी भगवान आते हैं। कारण इसलिए कि मेरे भक्तों के लिए मैं सो मेरे शरीर को टुकड़े भी कर दूं है, परंतु मैं भक्तों को दर्शन के लिए मैं जरूर आऊंगा, साल में एक बार हो भी सही वही भगवान आते हैं। तो ऐसे शरीर को, अपने शरीर को कष्ट दे करके भगवान एक साल में एक बार आते हैं। अब इस गांव में, जाजपुर गांव में उस बंधु महंत के जो आस पड़ोस थे वे सब तो धनीवान थे, धन संपत्ति में कोई उनका अभाव नहीं था, सब गाड़ी में एक ने कि ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए चलो, पूरी 400 किलोमीटर है भाई, कोई साधन तो है ही नहीं, छोटा मोटा स्थान, चलो दर्शन करने चले। इधर ठाकुर जी के भक्त जो है, जगन्नाथ जी के जो भक्त है बंधु महान थे, उनके हृदय में भी ये लालसा उत्पादित हुआ कि भाई सभी लोग जा रहे हैं कि हमें भी तो जाना चाहिए, क्या किया जाए। तो अपने परिवार जो के पुत्र और पत्नी इत्यादि थे उनको लेकर के बड़े मेहनत करके किसी को समझा बुझा के उसके साथ गए, और जाकर के रथ से दो तीन दिन पहले ही
ठाकुर जी के जब द्वार पे आए, सिंह द्वार पे जगन्नाथ जी के मंदिर के पास आए रात के 11:30 बजे, ठाकुर जी के तो 9-10 बजे तक साइड हो जाता है। अब इतने दूर से लंबा सफर करके थकान को साथ में लेकर के आए, सामने खड़े हुए देखे कि ठाकुर जी का तो पट बंद है, कुछ खाने के लिए भी प्रसाद भी नहीं मिल पा रहा है, मन में बड़ा सा दुख था। परंतु कोई बात नहीं, जो भक्त होते हैं ना, याचक होते हैं, वो किसी के पास जाकर के याचना नहीं करते, आप झोली नहीं मिलाते हैं, क्योंकि उनके उनके ऊपर 100% विश्वास होता है कि हमारे पालक केवल कृष्ण है ना। और अगर कभी भक्त झोली भी फैलाते हैं तो वो किसी लिए, केवल और केवल उसी का धन को भगवत सेवा में लगा करके उसी की उद्धार करने के लिए। ऐसे भक्त उस भक्त से भी बड़े बन जाते हैं जो लोग मांगते नहीं है और जो लोग मांग करके भगवान की सेवा में लगाते हैं। परंतु ये कुछ अलग टाइप के थे, कुछ भी नहीं मांगा, मन में कुछ भी नहीं सोचा, अरे ऐसे कैसे भगवान को स्मरण करके पत्नी सपरिवार वही वरदान्त जहां पे भगवान के रथ निकलता है उसी रास्ते पे सो गए। परंतु भगवान है, जानते तो वो सब कुछ है, भक्त के हृदय में है, भक्त कितनी वेदना में है, कितने कष्ट में, भूख में पड़ा है, बच्चे उसके छोटे छोटे हैं पर फिर भी वो नहीं मांग रहा है। इस बात को भगवान की उपलब्धि से बड़ा और किसी के पास उपलब्धि नहीं है। भगवान रात की समय क्या किया, एक लीला प्रारंभ की। भगवान भक्तों के लिए कैसी लीला करते हैं आप है? कि इस कथा से ही हमारे पुण्य अर्जन हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान वहां से मंदिर छोड़ करके एक ब्राह्मण की भेष, पंडे के भेष बना करके भगवान अपने जो स्वर्ण थाली में भगवान को 56 भोग खिलाए जाते हैं, 64 व्यंजन खिलाए जाते हैं। जो जिस समय भगवान को जो राज प्रसाद भोग लगता है वो स्वर्ण की थाली में भोग लगता है और उस थाली में सारे प्रकार के नैवेद्य भगवान को अर्पण किया जाता है। भगवान ने देखा कि भाई अभी तो मेरा भक्त ऐसे कैसा पड़ा हुआ, मैं किस प्रकार से इसको ग्रहण कर सकता हूँ। अब बंधु महंत के लिए भगवान ने छत्रपुरुष ब्राह्मण की वेश बना करके उस थाली को लेकर के रात को 11:30 बजे उस रास्ते पे आए और आकर के बोलते, अरे बंधु, हे बंधु, ले तेरे लिए मैंने प्रसाद लेकर के आया हूँ। तो बंधु महंत जब उठने लगे, थकान तो थी, आंखें खोल नहीं रही थी, पत्नी ने बोली, अरे आप क्यों उठ रहे हैं, संसार में क्या बंधु आप ही हो। बोले बात भी सही है, यहाँ पे अनजान शहर में हमें कौन पुकार रहा होगा, सिर्फ हमें कोई नहीं है, हमसे कोई कैसे हमारे नाम कौन जान सकते हैं, हम तो किसी दूसरे गांव से हैं। इस बात को ध्यान करके वे सो गए। और फिर दोबारे कुछ समय बाद फिर ठाकुर जी ने फिर आवाज लगाई, अरे बंधु महंती, अरे ओ बंधु महंती। फिर भी वो जब उठने लगे, फिर पत्नी की वही पुकार, नहीं नहीं जी सो जाओ, आप इतने अनजान शहर में आपको कौन पुकार रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। फिर सो गए। अब ठाकुर जी को रहा नहीं गया, बोले कि एक एक इंडिकेशन सही लगना चाहिए। अरे ओ जाजपुर से आए बंधु महंती, जो भूखे पेट पड़े सोए हो, जो अपने बगल में अपने पुत्र और पत्नी के साथ सोए हो, जरा उठो और इस प्रसाद को ग्रहण करो। अब तो उनको पता चल गया कि भाई ये तो सारा मेरा ही परिचय है। उन्होंने तुरंत उठा और उठ के जीव ही झट करके चारों ओर देखने लगे, कहीं पे भी कोई व्यक्ति था नहीं। और एक स्वर्ण थाली में दिव्य सुगंधित जो भगवान के हरि प्रसाद वो सामने रखा हुआ, अपने भगवान के उत्सव आस्वादित उस प्रसाद की जो गंध से ही उनका पेट भर गया, मन गदगद हो गया, आंखों से आंसू आ गए, बाष्पवाये परिपूर्ण लोचनम, ऐसे ही उनका सारे सात्विक विकार होने लगा। सभी को उठाए, उस प्रसाद को पाए और उस थाली को, क्योंकि भगवान की थाली है, ऐसे कहीं रखना नहीं चाहिए, उसको गमछा में लपेट करके अपने अंगोछे में दुपट्टे में बांध के उन्होंने अपने सर के नीचे रख करके सो गए। भगवान जो है ना, नटखट नटवर लाल है, वो नटखट है, ऐसी कुछ लीलाएं करेंगे ताकि लोगों को, लोग उस भक्त की महिमा को अच्छे से अच्छे जान सके। सवेरे हुआ, देखा कि जगन्नाथ जी का जो निवेदित थाली था वो है नहीं, पंडित लोग परेशान है भाई, उस समय जो जगन्नाथ जो महापात्र लोग हैं वो सब राजा के पास खबर दे दिए, राजा को परेशानी है कि भाई जगन्नाथ जी के इतने बड़े स्वर्ण का थाली कहाँ गया है? और जो आज जो जगन्नाथपुरी है ना, वो कोई साधारण स्थान नहीं है, वो साक्षात रूप में बैकुंठ है,
जहाँ पे खुद लक्ष्मी जी, अभी हम सुनेंगे लक्ष्मी जी खुद खाना परोसती है। कभी अगर जाओगे ऐसी आश्चर्यमय घटना कभी देख करके, जब तक आप आंखों से अपनी आंखों से नहीं देखोगे विश्वास नहीं कर पाओगे। जहाँ पे स्वयं लक्ष्मी, ऐसा नहीं लक्ष्मी प्रतिमा, स्वयं लक्ष्मी वहां पे बड़े लोग आ जाते हैं तो खाना प्रसाद बनता हुआ मिलता है। ऐसे जहाँ पे भगवान के लिए लक्ष्मी जी अपने हाथों से प्रसाद व्यंजन बनाते हैं, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, साक्षात रूप में बैकुंठ द्वारका है। तो राजा को चिंता पड़ गया कि क्या करें, अभी इतने में सारे जगह पे सैन्य सामंत को भेज करके जाओ, किसी भी हालत पे किसी भी कीमत पे थाली हमें मिलनी चाहिए। अभी इतने में आए बेचारा सरल सीधा बंधु महादेव उस थाली पे अपना सर रख के सोया हुआ। जो ही उन्होंने देखा कि इसमें कुछ थाली का नजारा है तो तुरंत उसको उठाए, जो ही उस अंगोछा को खोला देखा कि वही थाली जो ठाकुर जी को कल रात को दिया गया था। इतने में उसको पीट पीट करके लेकर के थाने में लेकर गए, कहां पे राजदरबार में। राजा ने उनको आदेश दिया कि तुरंत इनको बंदीशाला में बंदी गृह में कारावास दे दो, और तुरंत उनको लेकर के सैन्य सामंत ले गए। राजा को अब चिंता की कोई बात नहीं, रात में सोया, ज्यों ही जगन्नाथ जी को ध्यान करके रात में सोया, दो मिनट नींद हुआ या नहीं उसमें जगन्नाथ जी साक्षात रूप में ठाकुर जी दर्शन दिया कि राजा देख मैं जानता हूं जिसमें तेरा भी कोई गलती नहीं है, परंतु जिसको तूने कारावास की दंड दिया है वो कोई और नहीं है, साधु हृदय मह्यम साधुनम हृदयम तु अहम, कि मेरा ही हृदय साधु है, साधु का हृदय मैं हूँ। मत अन्य जानते नाम दे भी मना कभी, कि वो मेरे सिवा किसी को नहीं जानते, मैं उसके सिवा उसको नहीं जानता। उसको मारा तूने, आ देख मेरे श्री अंग पे क्या पड़ा हुआ है, निशान है। तूने उसको बंदी गृह में रखा, आज मैं मुक्त से नहीं हो पा रहा हूँ, इसीलिए जब तक उसको नहीं छोड़ता तब तक वो मेरा भी मुक्ति नहीं है। जब तक मेरा त्रिलोकीनाथ का मुक्ति नहीं है तब तक इस संसार में कोई ढंग से नहीं जी सकता। राजा उसमें फड़फड़ा के उठा और तुरंत उसी समय जाकर के पट खोला और उस बंदी गृह से उस भक्तों को ला करके उनके बड़ी सुंदर रूप में उनकी अभ्यर्थना किया। भगवान की इस प्रकार की जो स्तुतियां देख करके ठाकुर जी भी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार से जो बंधु महंती के चारों ओर में ये नाम फैलने लगा। ऐसे दिनों पर कृपा करने वाले जो रथयात्रा के समय में विशेष रूप में जो दयालु बन जाते हैं, और ये जो ठाकुर जी है ना, जो जगन्नाथ जी है, इनकी जितनी भी लीलाएं हैं आप प्रसाद के ऊपर ही देखना। अरे इनकी बहुत सारी कथाएं, बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं, बहुत अच्छे अच्छे ये कथा को हम आगे धीरे 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 सुनेंगे। ये जो बच्चा जो कथा बोल रहा है ना, इनका घर का ज्ञान क्या हो, वो मंदिर के पास नहीं करें, वो जगन्नाथ मंदिर के पास नहीं इनका करें। ये लोग बहुत सारे उनकी जगन्नाथ जी की महिमा को जानते हैं। इसलिए कल हम लोग हमारे बलराम प्रभु इधर आ जाओ, इसलिए कल हम लोग बड़े धूमधाम से जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकालेंगे। बलराम प्रभु देखो कल ये रथ को हम अच्छे तरह सजाएंगे, और हमारे बौड़ों से सारे भक्त लोग श्री बलराम प्रभु, श्री नवीन प्रभु और श्री प्रेमचंद प्रभु, राहुल प्रभु, सुमित प्रभु और श्री मित्तल प्रभु, हमारे बहुत सारे भक्त लोग जो आए, ये लोग बौड़ों से आ करके यहाँ पर जगन्नाथ जी रथ सजे, ये लोग कोशिश कर रहे हैं उसे सजाने के लिए। इसलिए आप लोग यहाँ के बागपत के जो भक्त हैं, आप लोग भी कोशिश करना, जैसे ये लोग रथ को सजा रहे हैं, इनको थोड़ी मदद करने के लिए, ठीक है ना। हम तो अपना घर को बढ़िया सजाते हैं, लेकिन अगर भगवान के दरबार को ठाकुर जी को सजाओगे ना, फिर हम अपने आप सज जाएंगे। इसलिए कृष्णा उद्धव जी को कहते, बोले उद्धव जी अगर मेरी कोई मंदिर बनी उसमें कोई एक ईंट अगर दे दे, उसके लिए मैं गोलोक वृंदावन में राजमहल बना देता हूँ। ये भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग कल सवेरे इन भक्तों के साथ मिल करके आप लोग थोड़ा मदद करना, यहाँ के जो भक्त लोग हैं ये रथ को सजाने के लिए। प्रभु से बोले अरे बोल जो प्रभु आप तो नहीं जानते हो, ये एक है चार आकाम कर ले, और छोटे मोटे भी बहुत सी अच्छे सी जिनका दिन में 10-15 लड़के सब काम करते हैं, बड़े पापी से बड़े वहाँ के बड़ों तुम्हें बड़े नामी व्यक्ति है, बड़ों तुम्हें अच्छे नामी व्यक्ति है, लेकिन ये सब करते हुए भी देखो इनकी गले में देखो तुलसी कटके, देखो तिलक लगाए,
और अपना हाथों से इनका पूरा परिवार, इनकी पत्नी, बच्चे सब के सब भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए प्रभु जी अभी आपको कथा सुनाएंगे और कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। ॐ अज्ञान्ति निराधस्य ज्ञानान्यं सलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै सर्वप्रथम मैं अपने पूज्यपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोदर्शन श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात श्रीधाम वृंदावन से पधारे सभी भक्तवृंद, उपस्थित माता पिता भाई बहन सभी के श्री चरण कमलों में यथा योग्य प्रणाम। आपने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण की हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी तिलक के बारे में बात बताना चाहता हूं कि ये तिलक की महिमा क्या है। तिलक तो आप सभी लगाते हैं, लेकिन हम जब मंदिर में जाते हैं तो पुजारी जी एक कटोरी में तिलक चंदन घिस के रख देते हैं और उसमें से उंगली डुबोई और अपने माथे में लगा, इस तरीके से तिलक लगा के आते हैं। लेकिन अगर हम पूछें कि वास्तव में आपने तिलक क्यों लगाया, तो उत्तर होता है कि हम मंदिर होके आए हैं। लेकिन जो ये तिलक हम लोग लगाए हुए हैं, इसे एक वैष्णव तिलक कहा जाता है। क्या है कि जो ये गोलाई हम अपने मस्तक पे इस तरीके से देख रहे हैं, ये ठाकुर जी के चरण हैं। और जो नाक पे जो पत्ते नुमा आकृति हमने बनाई है, ये तुलसी का पत्ता है। क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, इसलिए हमने तुलसी पत्ते को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके वो ठाकुर जी के चरण अपने मस्तक पे धारण किए हैं। अब यदि कोई हमारे मस्तक पर ये तिलक देखता है, दर्शन करता है, तो वो तिलक के नहीं साक्षात ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करता है। और इस तिलक की महिमा, इस तिलक का चमत्कार कई बार मुझे अनुभव हुआ। एक समय जब सब शुरू शुरू में मैं खुद गुरुदेव के चरणों में आया था, तब हमारे बड़ौत में ये जो धारा बह रही है गौड़ीय परंपरा की, श्री नवीन किशन दास जी इनके माध्यम से ये परंपरा है। तो इन्होंने मुझे कहा प्रभु जी तिलक लगाया करो। अब देखो आप भी देख रहे हो, आपके भी हम रोज तिलक लगाते हैं, कुछ तिलक अटपटा सा है। अटपटा सा क्यों है, बहुत लोग तो ये कहते हैं भाई तुम्हारा तिलक रह गया, ना लो आ गया रह गया, ये बोलते हैं। तो मुझे भी थोड़ी शर्म आई, मैंने भी तिलक ना लगाया। तो अगले दिन नवीन जी फिर मिल गए मुझे रास्ते में, तो बोले प्रभु जी आपने तिलक नहीं लगाया। मैं कहने लगा भूल गया प्रभु जी, कल को लगाऊंगा।
तो उस दिन की बात तो पूरी हो गई, अब मैं अपने ऑफिस में आके काम करने लगा। तो मैं भी अब जिधर से ये निकले मैं उधर को ना जाता, मुझे पता है कि अगर ये इधर को आएंगे तो मैं दूसरे रास्ते को चला गया। लेकिन एक दिन इन्होंने पकड़ ही लिया, कहने लगे प्रभु जी तुम तिलक क्यों नहीं लगा रहे, शर्म आती है? तो कहने लगे, मैंने कहा हाँ मुझे तिलक से लगाने शर्म से तो आती है, आप बोल तिलक कह तो लगा दूँ। कहने लगे नहीं नहीं आप अच्छा ही काम करो, एक विधि बताई मुझे, कहा कि थोड़ा लाइट लगा दो। कहने लगे तुम तो गोरे हो, तुम्हारी त्वचा पे नजर भी नहीं आएगा। मुझे बात समझ में आ गई, मैंने हल्का सा तिलक लगाया और माथे पे लगा दिया, मुझे भी दिखाई दे रहा, थोड़ी देर सूखने के बाद नजर भी आ रहा। लेकिन वो क्या हुआ, धीरे 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 लगाते लगाते मैंने उसको इतना गाढ़ा लगाना शुरू कर दिया, मुझे भी आनंद आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि क्रीम पाउडर लगाना तो बेकार है, तिलक लगाना ज्यादा जरूरी है। तो उस दिन से फिर मैं तिलक लगाने लगा। और वास्तविकता ये है कि अब तो स्थिति ऐसी है कि अगर मुझे मेरे माथे में तिलक ना हो तो मुझे अपना चेहरा ही सुंदर नहीं लगता, तिलक की तो इतनी महिमा है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो सुबह आई, अब मैं 9:30 बजे घर से ऑफिस में आया, तिलक लगा के आया, अब तिलक भी खूब अच्छे से चमक रहा है। तभी की तभी सेल्टक्स ऑफिस से फोन आता है, कमिश्नर साहब का, कहते हैं जो फाइल आपने केस होने के लिए सेल्टक्स ऑफिस में दाखिल की है उसमें कुछ बात मुझे समझ नहीं आ रही, और तुम ऐसा करो अभी के अभी आ जाओ ऑफिस में, और ये फाइल में जो भी बात मुझे समझ नहीं आ रही तो मुझे समझा दो क्योंकि तुमने तैयार किया है ये। मैंने कहा ठीक है सर मैं अभी आता हूँ। मैं तभी बाइक से लेके सेल्टैक्स ऑफिस में गया, सेल्टैक्स ऑफिस में सीधे डायरेक्ट में कमिश्नर साहब के ऑफिस में गए। वहाँ पर हमारे एडवोकेट भी थे और कमिश्नर साहब भी थे। तो कमिश्नर साहब ने मुझे देखते ही साहब बोले हाँ इन्होंने तैयार किया है। अरे तो फिर मुझे बताना चाहिए ना कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने अकाउंट कराते हो तुम लोग, मैं साइन करता हूँ, मुझे कुछ नहीं देखना, जो व्यक्ति नहीं कर सकता। इतनी सी बात केवल तिलक की महिमा मुझे उस दिन समझ में आई, फिर तो मैं खूब अच्छे से लगाने लगा। क्या बात है, हमारे बड़े बच्चे का और एक शिष्य वो फैजाबाद में रहता है, वो डॉक्टर है, वो जब अपना जाता है अपना डॉक्टरी करने के लिए ऑफिस अपना क्लिनिक में, वो पूरा तिलक गला में करती है। आप सोच नहीं सकते इतने लोग वहां पर आते, आसपास में भी क्लिनिक लेकिन वहां पर तो मक्खी मारते रहते कोई नहीं, लेकिन इसकी क्लिनिक में इतने लोग, बोले क्यों? उन लोग का विश्वास है भैया ये भजन करने वाले, ये कभी हमें आपको बताओ डॉक्टर है ना सबके साथ में कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्शन रहता है, छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी बना देते, ऑपरेशन कराओ ये करो ये करो, करते करते जो काम पर 100 रुपया थे वो 10,000 रुपया में लगा देते। लेकिन वो हमारे जो गुरु जी के शिष्य वो कभी ऐसे नहीं करते, कम से कम पैसा में जैसे बीमारी सही हो जाए वो सही हरे कृष्ण हरि बोल, वो सही परामर्श देते हैं। इतने लोग, वो डॉक्टर है बहुत अच्छा डॉक्टर है लेकिन गले में कंठ तिलक लगा करके अपना क्लिनिक में बैठता है और उसको बढ़िया चकाचक चलता है, उसको बढ़िया चलता है। इसलिए भगवान की तिलक देखो, आप तो हिंदू है देखना, जैसे आप कोई अच्छे बिजनेस के लिए जा रहे हो, किसी काम के लिए, क्या करते हैं घर में बोलो, क्या करते हैं? तिलक लगा कर बेचते हैं। बोले क्यों? बोले तुम्हारी राम बन जाए। जैसे कोई ब्राह्मण घर में पूजा कराने आएगा, जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा तब तक आप पूजा नहीं कराएगा। क्यों? तिलक के बगैर पूजा व्यर्थ है। इसलिए आप भगवान राम को देखना तिलक, भगवान बाके भी आगे देखना तिलक, भगवान नारायण को देखो तिलक, जगन्नाथ जी को देखो तिलक, हनुमान जी को देखो तिलक, गणेश जी को देखो तिलक। आप बगैर तिलक के कोई भी देवता देखे हुए, बगैर तिलक के कोई देवता भी नहीं होते। इसलिए ये तिलक का बड़ी महत्व है, ये गोपियों की चरण धूलि है। जैसा माताएं जो सदावास कर क्या करते हो, स्नान के बाद में सबसे पहले मांग भरोगे, सिंदूर लगाओगे, फिर पति के पास भी जाओगे। जब ये दुनिया की पति के लिए इतने मांग और सिंदूर लगा देते हो कि पति कब बने, शादी से पहले कोई मतलब था? शरीर छोड़ने के बाद गया,
जब इसी के लिए इतनी हम स्वाहा की मांग करते हैं, जो असली पति जो परम पति है, तब उसके लिए क्या नहीं करनी चाहिए? उसके लिए गले में कंठी और तिलक और भगवान की माला की झोली, ठीक है ना? इसलिए सबके सब जरूर तिलक रोज लगाया करना। हरे कृष्णा। और अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, ये तिलक मिलेगा कहाँ? आपकी इसी शंका को दूर करने के लिए हमने स्टॉल लगाई है। उस स्टॉल पे आपको हमारे गुरुवर्गों के द्वारा लिखित बहुत सारे ग्रंथ भी हैं, और तिलक भी है, माला भी है, कंठी माला भी है, झोली भी है, आप वहाँ से ये ले सकते हैं। और एक बात और है कि कल, जैसा आप सभी जान गए, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी, तो भगवान जगन्नाथ जी को हम 56 भोग लगाएंगे, और वो 56 भोग आप अपने घर से तैयार करके लाएंगे। आपको तैयार करने के लिए जो बर्तन है वो हम देंगे, अभी कथा के उपरांत वो बर्तन हम देंगे, उसको घर में धो के, अच्छे से धो के, उसमें नीचे एक पेपर बिछा कर जो भी आप बना के लाएंगे वो भी हम ही बताएंगे, और उसमें तुलसी पत्ता रख के और उसे अच्छे से ऊपर सजा के कल 3 बजे तक आप कथा स्थल पर अवश्य ले आएंगे। एक शंका और है आप सबके मन में, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि प्रभु जी कल तो इतवार है, तुलसी जी को कैसे तोड़ेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। गुरुदेव कहते हैं कि केवल द्वादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और प्रत्येक दिन ठाकुर जी की सेवा के लिए तुलसी जी का चयन किया जा सकता है। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि इतवार को तुलसी जी को हम स्पर्श नहीं कर सकते। ठाकुर जी की सेवा के लिए आप निर्भय होकर चयन कीजिए, और केवल द्वादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो अभी ज्यादा समय हो जाएगा। जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। आज ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि गुरु जी की वाणी लोगों के हृदय तक पहुंचकर वो यहाँ तक पहुंच रही है। आज कथा में जो सहयोग दिया है वो लाला सत्य प्रकाश गुप्ता जी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो एक बार गुरु जी के पास आए और उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर अपना जीवन धन्य बनाए। श्री राजपाल शर्मा जी मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो वो भी गुरु जी के पास आए। राजीव गुप्ता जी, श्री राजीव गुप्ता जी, नंदलाल डोगरा जी, श्री नंदलाल डोगरा जी व श्री नरेश चंद गुप्ता जी नमकीन वाले, मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपके सहयोग के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और आपसे भी निवेदन है इन सब के लिए जोरदार तालियों से बजाएं। भगवान का आशीर्वाद दे, कृपा करें, को फल से खुश रहे और संसार को भी शांति और सुख मिले। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक सुंदर भजन सुनाएंगे, हम सोच रहा था कि माला जप करेंगे, आज बहुत समय हो गया है। श्री राजीव गोयल, विवेक गोयल जी वो भी मेरी आवाज सुन रहे हों तो कृपया वो भी गुरु जी के पास आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राजीव गोयल जी और लाला श्रीचंद गुप्ता जी साइकिल वाले, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वो गुरुदेव के चरणों में आके आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री चंद्र गुप्ता जी जो आज के प्रसाद के लिए उन्होंने मदद किया है, आप इनके लिए भी जोरदार ताली। जोर से बोलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम।
Yeah.
आप प्रेम से बोलेंगे सब लोग, एक ध्यान से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम ताली हो जाती आवाज नहीं आ रही I don't know.